नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने YouTube चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों, अपन जो रेलवे ग्रुप डी 2018 के मैथ्स प्लस साइंस के न्यूमेरिकल का कर रहे थे, उसमें से अब तक आपके पांच वीडियो आ चुके हैं, यानी पांच पेपर का सॉल्यूशन हो चुका है। यदि आपने इससे पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, वहां पे क्लिक करके देख सकते हो। और आज इस वीडियो में अपन देखने वाले हैं 26 सितंबर 2018 के सेकेंड सेट में आपके कौन से मैथ्स और साइंस के न्यूमेरिकल पूछे गए हैं और उनका क्या एग्जैक्ट सॉल्यूशन होने वाला है। तो वीडियो पसंद आने पर लाइक कर दीजिए और वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहना। तो यहाँ पर इस सेट का जो पहला मैथ्स का क्वेश्चन आ रहा है कि एक थैले में लाल गेंद और हरी गेंद का जो रेशियो है वो आपके 15:16 है। तो यहाँ पर अपन मान लेते हैं ये रेड है और ये यहाँ पे ग्रीन है और इनका जो अनुपात है वो 15:16 का है। तो रेड बॉल मान लेते हैं 15x है और ग्रीन बॉल मान लेते हैं 26x है। यदि थैले में 12 हरी गेंद और डाल दी जाए, यहाँ पे हरी कितनी है दोस्तों, 26x है, लेकिन 12 और डाल दी जाए मतलब प्लस 12 कर दें, तो लाल गेंद और हरी गेंद का अनुपात 1:2 हो जाता है। यहाँ पर लाल गेंद कितनी है, 15x है, तो 15x और हरी गेंद का अनुपात, अनुपात का मतलब हरी गेंद कितनी है आपकी, 26x, 12 और डाली यानी 26x बराबर प्लस 12, तो ये अनुपात कितना हो जाता है, 1:2 मतलब बराबर 1/2। तो यहाँ से आप इजीली हल कर सकते हैं, गुणा कीजिए तिरछा गुणा 15x गुणा 2 बराबर 30x, बराबर में हो जाएगा आपके 26x प्लस 12, या फिर आप कह सकते हो 30x माइनस 26x बराबर 12। यहाँ से आपके 4x बराबर कितना आ रहा है, 12 आ रहा है, या फिर x बराबर 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आपको क्या पूछा है, थैले में कितनी लाल गेंद है, लाल गेंद कितनी है, 15x है, x बराबर कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, तो लाल कितनी हो जाएगी, 15 × 3 बराबर आपकी 45, लाल गेंदों की संख्या कितनी हो जाएगी, 45, यानी ऑप्शन 3 करेक्ट है। अगला सवाल यहाँ पे कि हीरे की निरपेक्ष अपवर्तनांक मान कितना होता है, तो हमेशा ध्यान में रखना है हीरे का निरपेक्ष अपवर्तनांक जो वैल्यू होती है वो आपके 2.42 होती है, कितनी होती है, 2.42। और हीरा होता है ये ताप का कुचालक होता है, यानी विद्युत और ताप का कुचालक होता है, सबसे कठोर पदार्थ है। और एक यहाँ से हीरे से क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये क्यों चमकता है, तो इस पर जब प्रकाश पड़ता है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण यहाँ पे चमकता है, जो प्रकाश की घटना है पूर्ण आंतरिक परावर्तन उसके कारण हीरा चमकता है। अगला सवाल यहाँ पे 11 वर्ष बाद राघव की आयु है, ये उसकी 5 वर्ष पहले की आयु का 5 गुना हो जाएगी, तो राघव की वर्तमान आयु कितनी है, तो मान लेते हैं राघव की वर्तमान आयु कितनी है, एक्स वर्ष है। और क्वेश्चन में क्या दिया है कि 11 वर्ष बाद राघव की आयु, वर्तमान में एक्स है तो 11 वर्ष बाद कितनी है, प्लस 11 हो जाएगी, उसकी आयु है राघव की 11 वर्ष बाद, उसकी 5 वर्ष पहले की आयु का 5 गुना हो जाएगी, ये किसके बराबर हो जाएगी, तो ये उनकी 5 वर्ष पहले की आयु का 5 गुना करना है। वर्तमान में एक्स है, 5 वर्ष पहले कितनी रही होगी, x माइनस 5 है, और इसका 5 गुना हो जाएगी इनकी 11 वर्ष बाद आयु, तो ये इसके बराबर है, तो इसको आप इजीली हल कर सकते हो, x प्लस 11 पर यहाँ से 5x माइनस 25 है, जो भी आपके चर हैं उनको एक तरफ ले आइए, तो यहाँ से आप एक तरफ लाते हो तो इधर हो जाएगा आपकी 11 प्लस 25 बराबर 5x माइनस x हो जाएगा, 25 और 11 कितने होते हैं, 36 बराबर आपके हो जाएगा इधर 4x, यानी x बराबर 9 वर्ष हो जाएगी, जो x अपन ने मानी है राघव की वर्तमान आयु वो कितनी निकल के आ रही है, 9 वर्ष, ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्वायर रूट का है, तो इसमें 4.2436 का आपको वर्गमूल फाइंड आउट करना है, तो आप कैसे कर सकते हो, स्क्वायर रूट को हटा दीजिए सबसे पहले आप, तो 4 + 2436 हटाने पर यहाँ पे पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, 4 है, तो नीचे ही आपके 4 0 आ जाएगी, यानी 10,000 हो जाएगा, 10,000 है ये। अब इसका वर्गमूल क्या होता है, 100 होता है, लेकिन आपको इसका नहीं पता है 42,436 का क्या होता है, तो इसका आप ज्ञात करने के लिए भाग विधि का प्रयोग कर सकते हो, किस प्रकार होगा बता देता हूँ। भाग विधि में सबसे पहले जो भी आपको दे रखा है यहाँ पे 4 + 2436 है, तो भाग विधि में इस प्रकार से आपको बनाना होता है ये, और फिर यहाँ पे 2-2 का आपको जोड़ा बनाना, तो यहाँ से 21 अंक से स्टार्ट कीजिए, 36 हो गया, 24 हो गया, 4 के आगे 0 लगा दिए, 0 4 हो गया, ये 2-2 का आपका पैर बन चुका है। अब आपको प्रथम पैर के साथ जो भी ऑपरेशन करना है वो करना है, तो आप क्या कीजिए, ऐसी कौन सी संख्या है जिसका स्क्वायर करने पर या तो 4
जाए या फिर चार से कम प्राप्त हो जाए, तो आप कहेंगे दो है। दो का स्क्वायर करूंगा तो कितना आ जाएगा आपकी, चार आ जाएगा। तो दो का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे चार आ रहा है, क्या कर रहे हैं अपन, दो का स्क्वायर कर रहे हैं तो यहाँ पे दो हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर जो संख्या है इसको ऐड करना है, दो और दो कितना चार हो जाएगा, फिर इसमें से माइनस करना है, चार में से चार गए पीछे रहे जीरो। अब नेक्स्ट पेयर आपका उतरेगा चौबीस, क्या है चौबीस। अब आपको क्या करना है, चार तो ये स्थिर रहेगा, इसके आगे जो भी आपको संकर या ऑपरेशन करना है वो करना होगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसके आगे मान लेते हैं एक मान लेता हूँ, तो एक यहाँ पे रख रहा हूँ तो नीचे भी मेरे को एक रखना होगा, फिर एक का गुणा करेंगे तो कितना आ रहा है, इकतालीस आ रहा है। यहाँ पे आपको कितना प्राप्त हो रहा है, चौबीस हो रहा, तो इकतालीस तो आपके ये नहीं होगा, एक तो अपन नहीं रख सकते, तो मैं यहाँ पे रखता हूँ दो, यानी इससे ज्यादा ही प्राप्त हो रहा। तो फिर आपको नेक्स्ट पेयर उतारने से पहले आपको जीरो लगाना होगा, क्या लगाना होगा, जीरो। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा जीरो। अब आप यहाँ पे नेक्स्ट पेयर उतारिए, क्या हो जाएगा आपके 36, अगला यहाँ पे जोड़ा क्या है 36। अब यहाँ पे 40 तो आपके स्थिर हो गया, और 40 के आगे जो भी आपको संक्रिया लगानी है वो लगाइए। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले एक रखता हूँ, तो नीचे भी एक रखूंगा तो गुणा करूंगा तो क्या आएगा 401 आएगा, लेकिन आपको चाहिए 2000 से प्लस चाहिए, तो कम से कम आप कहेंगे कि 5 तो होगा ही होगा, क्योंकि 5 और 4 का करेंगे तो 2000 के आसपास आएगा, लेकिन अपन को 2400 चाहिए। तो यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, 6 कर देता हूँ, तो यहाँ पर भी 6 होगा, नीचे भी 6 होगा। 6 और 6 का गुणा कितना होता है दोस्तों, 36, फिर यहाँ पे आपका हो जाएगा 36 हो गए, फिर 6 और 4 का आपके 24 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 24 36 आपको पूछा है, यही प्राप्त हो रहा है, तो आपका यहाँ पे कितनी बार गया, 6 बार गया, और यहाँ पे माइनस हो गया, यानी शून्य प्राप्त हो गया। आगे कोई भी पैर नहीं है तो कुछ भी नहीं करेंगे, यदि पैर होता तो आप क्या करते, इसको जोड़ते, 6 और 6 कितने हो रहे हैं आपके 12, तो 412 के बाद आप जो भी ऑपरेशन करते इस पैर को उतारने के बाद वो आपके, लेकिन यहाँ पे पैर नहीं है और आपका भाग पूरा चला गया है, तो 206 है इसका, यहाँ पे 206 बटा आपके 100 था, तो 2.06 हो जाएगा, ऑप्शन 4 करेक्ट है। तो इस प्रकार भाग विधि से आप कर सकते हो, या फिर ऑप्शन से आप स्क्वायर करके ट्राई कीजिए। 206 है, देखिए यहाँ पे पहले दो ऑप्शन तो यहाँ पे डिलीट हो जाएंगे, पहले ही आपके कैसे हो जाएंगे कि हाँ दो नहीं होंगे यहाँ पे, तो आप स्क्वायर करके इसको ट्राई कीजिए, 206 का ये आ जाएगा, 204 से ट्राई कीजिए कौन सा आता है, तो यहाँ से आप डायरेक्टली कर सकते हो यदि आप भाग विधि नहीं करना चाहते हो, क्योंकि ये थोड़ी लंबी हो जाती है। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे 2500 वॉट्स में कितने किलोवाट होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए 1 किलोवाट में कितने वॉट होते हैं, 1 किलोवाट में आपके 1000 वॉट होते हैं, 1000 वॉट में कितना है, 1 किलोवाट होता है। आपको पूछा है 2500 वॉट में कितने, तो 1 वॉट में इतने, 1000 में इतने होते हैं, 1 वॉट में कितने किलोवाट हो जाएंगे, 1 वॉट में 1/1000 किलोवाट हो जाएगा। आपको यहाँ पे कितने का पूछा है, तो 2500 का पूछा है, तो 2500 का यहाँ से गुणा कर देंगे, 1/1000 गुणा 2500 किलोवाट, यानी 20 से 20 गया पीछे 2, तो 2.5 किलोवाट हो जाएगा यहाँ से 2500 वॉट में, यानी ऑप्शन 3 आपका करेक्ट है। अगला सवाल यहाँ पे आपका साइंस का न्यूमेरिकल है कि लंबवत फेंकी गई एक गेंद है, वो 12.5 सेकंड के पश्चात जमीन पर लौट आती है, जिस वेग के साथ इसे फेंका गया है उसे आपको ज्ञात करना है। यहाँ पर जो आंसर है वो मैच नहीं हो रहा है, इसलिए इसको आरआरबी ने डिलीट कर दिया है, तो अपन देख लेते हैं इसका क्या एग्जैक्ट आंसर होने वाला है। गेंद अपन ऊपर लंबवत फेंक रहे हैं जो कि 12.5 सेकंड के बाद जमीन पर हिट कर रही है, मान लीजिए यहां से अपन ने ये आपके हो जाएगी सरफेस है, यहां से गेंद को अपन फेंक रहे हैं ऊपर की दिशा में ऐसे फेंक रहे हैं, और ये जाकर वापस आने में कितना समय ले रही है, तो ये जाकर वापस आने में 12.5 सेकंड का समय ले रही है, टोटल टाइम आपका लग रहा है 12.5 सेकंड, और जिस वेग के साथ इसे फेंका गया है जो यू वेग से, इसको मान लेते हैं यू वेग से अपन ऊपर फेंक रहे हैं, तो यही आपको ज्ञात करना है, और जो गुरुत्वीय त्वरण है जी है वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपको यहाँ पे मानना है। तो आपको गति का समीकरण पता होना चाहिए, और यहाँ पे आपको क्या पता होना चाहिए, यह गेंद यहाँ से जाएगी और गुरुत्वीय त्वरण लग रहा है, इसलिए गेंद एक ऐसी स्थिति आएगी जहां पर रुक जाएगी और वापस नीचे,
स्टार्ट हो जाएगी। तो ये स्थिति है जहां पर गेंद रुक रही है, रुकने की स्थिति में उसका अंतिम वेग v बराबर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। u आपको ज्ञात करना है, यहां पर गेंद स्टॉप हो गई तो अंतिम वेग v जीरो हो गया, उसके बाद वापस ये स्टार्ट होती है और जमीन पर हिट करती है, v जीरो है। अब देखिए t ये जो दे रखा है, ये जाने और आने दोनों का समय आपको एक स्थिति में देखना है कि जाने में कितना समय लग रहा है, तो जितना जाने में लग रहा है उतना ही वापस आने में समय लगेगा, तो टोटल आपके 12.5 सेकंड का समय लग रहा है। तो केवल एक स्थिति में ऊपर जाने का या फिर नीचे आने का जो समय लगेगा वो हाफ हो जाएगा, 12.5 का आधा क्या हो जाएगा 6.25 यहाँ पर सेकेंड आपको समय लगने वाला है एक स्थिति में। तो टी बराबर आपका कितना हो रहा है, 6.25 हो रहा है। यू आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है, जो अंतिम वेग है वो जीरो है। अब देखिए दोस्तों, गति का प्रथम समीकरण कहता है कि v बराबर u प्लस ए टी। ए यहाँ पे क्या है, जो त्वरण है वो आपका गुरुत्वीय त्वरण है, और वस्तु ये गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध ऊपर जा रही है, मतलब जी आपको माइनस में लेना, माइनस 10 लेना होगा। जब ऊपर जा रहे हैं तो आप माइनस में लीजिए, क्योंकि ये गुरुत्वीय त्वरण है। ये माइनस क्यों होगा कि गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध जा रही है वस्तु। अब देखिए वी आपको जीरो यहाँ पे आ गया, वी अंतिम स्थिति में वी जीरो हो गया। यू की बात करें तो आपको ज्ञात करना है, प्लस ए, प्लस ए यानी आपको माइनस ए करना है, तो माइनस ए क्योंकि ये माइनस ए के स्थान पे 10 कीजिए। टी कितना लग रहा है एक स्थिति में, तो ये लग रहा है आपके 6.25, तो गुणा 6.25, या फिर आप कह सकते हो जो यू होगा वो होगा 10 गुणा 6.25 बराबर 62.5 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन में ये नहीं दे रखा है इसलिए इस क्वेश्चन को गया है। तो कितना समय लग रहा है 62 पॉइंट, जो कितना यू आ रहा है, किस वेग से गेंद को फेंका गया है, वो आपका 62.5 होगा। अब दोस्तों क्वेश्चन ये पूछ लें कि ये गेंद वापस जो हिट कर रही है सरफेस पर, तो किस वेग से हिट कर रही है। तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है, जिस वेग से गेंद को फेंका जा रहा है वो गेंद उसी वेग से हिट करेगी, तो आपके जो ये हिट करने वाला वेग है अंतिम वी डैश मान लेते हैं, ये भी आपका 62.5 मीटर पर सेकेंड होगा। तो इस बात का विशेष ध्यान में रखना है। अब दोस्तों यदि आपको पूछ लें कि ये मैक्सिमम हाइट क्या होगी जहां तक गेंद वापस नीचे आ रही है, तो आप गति का तृतीय समीकरण लगाइए, यानी v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। यहां पर v आपको शून्य आ रखा है, u आपका निकल गया है 62.5 है, a आपको माइनस 10 लेना है, तो s सभी राशि दे रखी है s के अलावा, तो इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो आपका जो अंतिम ये हिट करेगी ये वाला भी आ गया, जिस वेग से फेंकी गई है ये वेग भी ज्ञात हो गया, मैक्सिमम हाइट का भी आपको पता चल गया। तो यहाँ से जो भी क्वेश्चन पूछा जाए आप इजीली कर पाओगे। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल तो ये आपके ट्रिग्नोमेट्री का है। ओके, एक लड़का भूमि से ऊपर 692 मीटर पर गर्म हवा से उड़ने वाले गुब्बारे को देख रहा है। लड़के की आंखों से गुब्बारे की ऊंचाई का 60 डिग्री था, तो मान लेते हैं आपका यहां से अपन स्टार्ट करते हैं, ये इसकी सरफेस है और लड़का यहां पर खड़ा है, गुब्बारा ऊपर यहां पर उड़ रहा है आपका, जो कि ये है 692 मीटर हाइट पर उड़ रहा है, 692 मीटर लड़का यहाँ पे खड़ा है। तो ये क्या बोल रहा है कि लड़के की आंखों से गुब्बारे का ऊंचाई का कोण है, यानी आपको ओनियन कोण दे रखा है, ये लड़का खड़ा है और ये जो कोण बन रहा है गुब्बारे की ऊंचाई का लड़के की आंखों से, ये आपके 60 डिग्री आपको दे रखा है और इसकी हाइट यहाँ पे 692 मीटर ऊपर उड़ रहा है। नेक्स्ट आपको दे रखा है, कुछ समय बाद गुब्बारा लड़के से क्षैतिज रूप से दूर चला जाता है और कोण 30 डिग्री तक कम हो जाता है, ये 60 था, अब क्या होता है, तो ये सरफेस है, गुब्बारा है वो क्षैतिज स्थिति से दूर चला जाता है, इस प्रकार आपके गुब्बारा हो जाता है, दूर हो जाता है, और लड़के की आंखों से जो कोण अब बनता है वो 30 डिग्री हो जाता है, कितना हो जाता है, तो 60 था, अब ये कम होके हो गया 30 डिग्री। तो आपको क्या पूछा है कि गुब्बारे से तय की गई अनुमानित दूरी, तो ये गुब्बारा पहले यहाँ पर था अब यहाँ हो गया, तो ये दूरी गुब्बारा कितनी तय कर रहा है वो आपको ज्ञात करना है, तो इसको भी अपन मिला देते हैं, तो ये भी आपके 692 मीटर हो जाएगी, ये और ये क्योंकि सेम है हाइट, और आपको ये वाली ज्ञात करना है, सिर्फ ये दे रखी है और एंगल दे रखा है, तो आप टेन थीटा से इजीली कर सकते हो। टेन थीटा क्या होता है दोस्तों, टेन थीटा बराबर लंब अपॉन आधार होता है, और सबसे पहले जो ये वाला आप 60 डिग्री कोण मानेंगे तो ये वाला आपका त्रिभुज रहेगा, ये वाला 60 डिग्री केस में, तो आप 60 डिग्री मान लीजिए, ये वाला आप त्रिभुज होगा,
60 डिग्री में क्या हो जाएगा आपके tan 60 बराबर लंब कौन सा है, ये वाला है 692 है, तो 692 आधार आपको ज्ञात करना है। ये वाला आधार अपन मान लेते हैं x है, कितना है x है 692 बटा x, tan 60 कितना होता है रूट 3 होता है, तो आपका x यहाँ से कितना हो जाएगा 692 बटा लंब बटा आधार है और tan 60 आपके रूट 3 होता है, x बराबर हो जाएगा 692 बटा रूट 3, ये x हो जाएगा जो ये वाली डिस्टेंस है। आपको सिर्फ ये वाली चाहिए, जो अपन ये वाले आपको चाहिए, इसको अपन y मान लेते हैं। अब आपको क्या करना है दोस्तों, ये वाला त्रिभुज लेना जो 30 डिग्री वाला है ना, इसको लीजिए और इसमें ये tan 30 लगाइए, तो tan 30 बराबर आपके हो जाएगा लंब बटा आधार यानी 692। आधार क्या हो रहा है यहाँ पे, ये वाला पूरा हो रहा है x प्लस वाई हो रहा है, आधार आपके x प्लस वाई हो रहा है। tan 30 का मान होता है 1 बटा रूट 3 होता है, तो 692 बटा x प्लस वाई, या फिर आप कह सकते हो x प्लस जो y आ रहा है वो आपका आ रहा है 692 रूट 3, x प्लस वाई बराबर आपके आ रहा है 692 रूट 3। और आपको ज्ञात क्या करना, सिर्फ y ज्ञात करना है, तो आप क्या करेंगे x प्लस वाई में से यदि अपन x इसको घटा दें तो पीछे क्या रहेगा, x में से x गया पीछे y रहेगा, तो ये वाला समीकरण एक है ये मान लेते हैं, तो दो में से अपन एक क्या कर देते हैं माइनस कर देते हैं, तो 692 बटा रूट 3 692 रूट 3 में से अपन 692 बटा रूट 3 कर देते हैं, तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। आपको क्या करना है 692 रूट 3 में से 692 बटा रूट 3 माइनस करना है, तो इसमें आप कॉमन ले लीजिए 692, पीछे क्या रहेगा रूट 3 माइनस 1 बटा रूट 3 और 692। अब आप इसका एलसीएम लीजिए, एलसीएम में यहाँ पर क्या हो जाएगा रूट 3 और रूट 3 का गुणा 3 हो जाएगा माइनस 1 बटा रूट 3, या फिर इसको आप कह सकते हो 692 गुणा 2 बटा रूट 3। क्वेश्चन में दे रखा है रूट 3 के स्थान पे आपको 1.73 लेना है, तो आप क्या करेंगे 692 गुणा 2 बटा 1.73 तो अब यहाँ पे आप क्या कीजिए दोस्तों, इसको 173 का 692 में भाग दीजिए, तो इसको मैं सबसे पहले दशमलव को हटा देता हूँ ऊपर आपके 100 से गुणा करके, तो 692 में आपको क्या करना है 173 का भाग देना है और ऊपर क्या रह गया आपके 2 गुणा, जो मैंने दशमलव हटाया तो 100 का गुणा हो गया, ये भाग कितनी बार जाएगा आपके 4 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा 4 बार जाएगा, तो पीछे कितना रहा 4 गुणा 2 गुणा 100 यानी 4 दूनी 800, तो ये ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे n है जो घूर्णनों की संख्या n वो क्या है कि 99 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए एक बस के पहिए द्वारा किए गए घूर्णनों की संख्या, यदि पहिए का यहाँ पे आपको व्यास 63 सेंटीमीटर दे रखा है तो n का मान ज्ञात करना है, कितने घूर्णन करेगा पहिया यदि वह 99 किलोमीटर चलता है और इसका व्यास आपको 63 सेंटीमीटर दे रखा है। आप क्या करेंगे यहाँ पे जो 99 किलोमीटर है उसमें यदि आप भाग दे दें पहिए की, एक जो एक राउंड लेता है पहिया तो कितनी दूरी तय करता है, कितनी करेगा जितनी पहिए का व्यास होगा, ये सॉरी परिधि होगी जितनी पहिए की, इस परिधि की बराबर वो एक राउंड में दूरी तय करेगा। यदि अपन को पहिए की परिधि का पता चल जाए तो परिधि का अपन इसमें भाग दे देंगे, जितनी भी ये बस दूरी चलती है उसमें पहिया एक राउंड में कितना करता है उसका भाग देंगे तो पहिए के राउंड आ जाएंगे, तो परिधि सबसे पहले अपन फाइंड आउट करना करते हैं। और यहाँ पर एक विशेष बात का ध्यान में रखना है, ये जो दूरी है किलोमीटर में दे रखा है, पहिए का व्यास सेंटीमीटर में दे रखा है, तो आप सभी को किलोमीटर में कर दीजिए। तो सबसे पहले अपन इसकी परिधि फाइंड आउट करते हैं, जो पहिए की परिधि कितनी होगी, पहिया क्या है दोस्तों वर्ताकार है, वर्त की परिधि होती है 2πr, r आपकी रेडियस है लेकिन यहाँ पे व्यास दे रखा है, रेडियस नहीं दे रखी है, तो रेडियस व्यास का आधा होता है, परिधि बराबर 2 गुणा 22 बट्टा 7 और 63/2, यह हाफ हो जाएगी, कितनी बार जाएगा 9 बार जाएगा, 2 से 2 गया और यहाँ से आपका परिधि आ जाएगी 198 सेंटीमीटर, लेकिन आपको ये चाहिए किलोमीटर में, तो सेंटीमीटर को आपको किस में बदलना है किलोमीटर में, सबसे पहले अपन जो मीटर में चेंज करेंगे तो किससे भाग देंगे 100 से देंगे, 100 से भाग देने पर आपका ये हो गया मीटर में, किस में हो गया मीटर में। अब आपको मीटर को किलोमीटर में बदलना है, आपको पता है 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं,
तो 1000 मीटर होते हैं, मतलब आप देंगे 1000 का भाग देंगे तो ये आपके हो गई दूरी किलोमीटर में। जो परिधि आई है ये देख सकते हो, ये इतना किलोमीटर परिधि है। टोटल दूरी कितनी है, बस 99 किलोमीटर चल रही है, तो ये 99 हो गया। इसमें अपन किसका भाग देंगे, इसमें अपन भाग देंगे, वन सेकेंड इसको अरेज कर देते हैं, इसमें अपन परिधि का भाग देंगे। जो परिधि यहाँ से निकल के आई है इसका भाग देंगे तो घूर्णनों की संख्या आ जाएगी, क्योंकि परिधि क्या है, एक चक्कर में तय दूरी है, तो एक चक्कर में इतनी दूरी तय हो रही है तो पूरे 99 किलोमीटर दूरी तय करने में कितने चक्कर लगेंगे, आप क्या करेंगे, भाग देंगे। तो इसका भाग दीजिए 198 भाग, तो भाग यहाँ पे 100 गुणा 1000, यानी ये ऊपर चले जाएंगे गुणा में, 100 गुणा 1000, तो ये वाले आप भाग दीजिए। 99 का 198 में भाग कितनी आपके 2 बार गया। अब आप क्या कीजिए, ये 50 बार गएगा, तो 50 गुणा 1000, 50 गुणा 1000 कितना हो जाएगा आपके 50,000। तो टोटल यहाँ पे घूर्णनों की संख्या कितनी हो रही है, 50,000 हो रही है। बिल्कुल ईजी है, आपको परिधि फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले परिधि का ध्यान में रखना है, जो सेंटीमीटर में है उसको किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। जितनी परिधि आ रही है मतलब एक राउंड में वो कितना चल रहा है पहिया, और टोटल आपको दूरी दे रखी है एक राउंड में इतना चल रहा है, तो टोटल दूरी में यदि एक राउंड का भाग देंगे तो आपके पास राउंडों की जो संख्या आएगी वो 50,000 घूर्णनों की संख्या। यहाँ पर पहिए की ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा है। मूव करते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल यहाँ पे, एक द्विघात समीकरण के दो आपको मूल दे रखे हैं, x बराबर 4/3 और x बराबर -3/7 के रूप में है, तो समीकरण को किस रूप में लिखा जा सकता है। तो पहला मूल है आपके x बराबर 4/3, या फिर इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं, x माइनस 4/3 = 0 है, तो इसको एलसीएम लेंगे तो 3x - 4 = आपके 0 आ जाएगा, 3 इधर जाएगा, 3 और 0 का गुणा 0, यानी 3x - 4 = आ रहा है। सेकेंड स्थिति की मैं यहाँ पे बात करूं तो आपको दे रखा है x बराबर -3/7, या फिर हो जाएगा x +3/7 = 0 हो जाएगा, या फिर ऐसे लिख सकता हूं 7x + 3 = 0। तो ये जो आपके दो निकल के आ रहे हैं 3x - 4 × 7x + 3 = 0 कहां पर हो रहा है, 3x - 4 7x + 3 = 0, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है यहाँ पे, दो इनलेट पाइप ए और बी, दो पाइप हैं, किसी खाली हौद को क्रमशः 22 और 33 घंटों में भर सकते हैं, वे एक साथ काम आरंभ करते हैं, लेकिन पाइप ए को हौद भरने से पहले 5.5 घंटे बंद करना पड़ा। जो हौद भरने से पहले ए को 5.5 घंटे बंद करना पड़ा, दोनों पाइप को हौद भरने में कितने घंटे लगे हैं, यहाँ पर दोनों पाइप को हौद भरने में, हालांकि ए वाला पाइप है ये पूरा हौद भर गया, उससे 5.5 घंटे कर दिया गया था। तो इस क्वेश्चन को किस प्रकार अपन हल करेंगे, तो मान लेते हैं कि हौद को भरने में आपको कुल एक्स घंटे लग रहे हैं, जो आंसर आएगा उससे पहले अपन मान लेते हैं हौद को भरने में कितने घंटे लगे, तो एक्स घंटे अपन यहाँ पे मान रहे हैं। एक्स घंटा लगने का मतलब क्या हुआ कि ए और बी किसी खाली हौद को क्रमशः 22 घंटे में भर रहे हैं, ए 22 में भर रहा है, बी आपके 33 घंटे में भर रहा है, तो ए एक घंटे में कितना भरेगा, 1/22 भरेगा, ए एक घंटे में 1/22 भरेगा, बी एक घंटे में कितना काम करेगा, तो 1/33 करेगा, टोटल 33 में कर रहा, तो एक घंटे में 1/33 भाग करेगा, ए 1/22 भाग करेगा, लेकिन अपने पास कितने घंटे में काम हो रहा है, एक्स घंटे में हो रहा है, तो x घंटे में b कितना काम करेगा, एक घंटे में 1/33 कर रहा है, तो x घंटे में b कितना करेगा, x 33 कर, a कितना कर रहा है दोस्तों x घंटे में, लेकिन a x में नहीं कर रहा है, a कर रहा है x में से आपको 5.5 घंटे कम करना है, क्योंकि इसको पहले बंद कर दिया गया था 5.5 घंटे, तो a जो काम कर रहा है वो आपके x में से 5.5 घंटा कम कीजिए, उसका आपको गुणा करना है 1/22 से, तो ये आपका काम हो गया ए वाले पाइप का, और ये हो गया आपके बी वाले पाइप का। दोनों पाइप को हौद भरने में कितना समय लगेगा, मतलब ये दोनों पाइप मिल रहे हैं तब आपका पूरा काम हो रहा है, एक हो रहा, तो इसको ऐड कीजिए आप, जो एक्स माइनस 5.5/22 + आपके x 33 है,
दोनों मिलकर ये पूरा काम कर रहे हैं, यानी एक काम हो रहा है यहाँ पे दोनों के मिलने के बाद। अब आप इसका एलसीएम लीजिए, 66 हो जाएगा। एलसीएम लेने पर आपका इससे किससे गुणा हो जाएगा, यानी 3x माइनस, इसको भी गुणा कीजिए, 16.5 हो जाएगा, प्लस आपकी 2 से हो जाएगा, 2x बराबर 1 हो जाएगा। इसको अपन सॉल्व करते हैं, 3x प्लस 2x कितने हो रहे हैं आपके, 5x। 5x माइनस 16.5 बटा 66 इधर आएगा तो 66 हो जाएगा, और यहाँ से आपके हो जाएगा 5x बराबर 66 प्लस 16.5। तो आपके 66 प्लस 16.5 कितने हो जाते हैं, तो ये हो जाते हैं 82.5 हो जाते हैं, 82.5। आपको यहाँ पे x की वैल्यू ज्ञात करनी, 5x बराबर 82.5 है, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 82.5 बटा 5। तो यहाँ से आपका x आ जाएगा 16.5 घंटे, जो कि आपने माना है x टोटल समय, तो ये x कितना आ रहा है, 16.5, यानी ऑप्शन 4। अगला सवाल, ए और बी एक कार्य को 50 दिन में करते हैं, बी और सी यहाँ पे उसी कार्य को 37.5 दिन में करते हैं, सी और ए उसी कार्य को 30 दिन में करते हैं, तीनों अलग अलग उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो सबसे पहले ए प्लस बी का है वो है 50 दिन में करते हैं, नेक्स्ट यहाँ पे बी प्लस सी की बात करें तो ये 37.5 दिन में करते हैं, सी प्लस ए है ये आपके करते हैं 30 दिन में। आप तो क्या करना है, इनका एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम किस प्रकार से लेंगे आप कीजिए, सबसे पहले 50 का दुगना कीजिए, इस प्रकार से लेना है कि तीनों का भाग पूरा का पूरा चला जाए। तो 50 का दुगना आपके 100 होता है, लेकिन 100 में 30 का भाग नहीं जा रहा, सीधा ही देख रहा है। आप क्या कीजिए, 50 का 3 गुना कीजिए जो कि 150 होता है। अब 150 में 50 का जा रहा है कितनी बार, 3 बार जा रहा है। 37.5 की बात करें तो 37.5 का 150 में जा रहा है 4 बार पूरा का पूरा जा रहा है, फिर यहाँ पे 30 का 150 में 5 बार जा रहा है। तो इसका क्या मतलब हुआ, 3, 4, 5 का, कि जो A प्लस बी है वो एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहे हैं, टोटल 150 यूनिट कार्य हैं। B और C एक दिन में 4 यूनिट कर रहे हैं, और C और A एक दिन में 5 यूनिट कर रहे हैं, जबकि काम कितना है, 150 यूनिट है। आपको क्या पूछा है कि तीनों अलग अलग, यहाँ पर ए बी बी सी सी ए का तो आपके निकल के आ गया कि यहाँ से इजीली निकाल सकते हैं, लेकिन ए बी और सी इन तीनों का से निकालना है। अब मैं क्या करूं, इन तीनों को ऐड कर दूं, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये मिलकर कितना यूनिट करेंगे एक दिन में, तो ये कितना हो जाएगा, 2a प्लस b प्लस c हो जाएगा। सभी में आपके 2a हैं, 2b हैं और 2 c हैं, तो 2a प्लस b प्लस c है, ये कितना यूनिट काम कर रहे हैं, 4 और 3 7 और 5 12, ये 12 यूनिट कर रहे हैं, 2 गुना a प्लस b प्लस c। लेकिन a प्लस b प्लस c कितना करेगा, 6 यूनिट करेंगे, ये जब 2 गुने हैं तो 12 कर रहे हैं, तो सिर्फ a प्लस b प्लस c कितने करेंगे, 6 यूनिट काम करेंगे। अब आपको निकालना है, यहाँ पर मान लेते हैं मैं निकालता हूँ c का, निकालता हूँ किसका निकालता हूँ, c का निकालता हूँ, तो इस वाले को लूंगा मैं, a प्लस b है ये कितने यूनिट काम कर रहे हैं एक दिन में, 3 यूनिट कर रहे हैं, और a प्लस b प्लस c एक दिन में कितने यूनिट काम कर रहे हैं, 6 यूनिट कर रहे हैं, इसमें से a प्लस बी कर रहे हैं 3, और ये तीनों मिलकर 6 करें, मतलब क्या हुआ, c अकेला 3 यूनिट यहाँ पे कर रहा है, जब a प्लस बी मिलकर 3 कर रहे हैं और a प्लस बी प्लस सी 6 कर रहे हैं, a प्लस बी का 3 हो गया, पीछे जो 3 रह गया 6 में से वो c करेगा, तो c कितना कर रहा है एक दिन में, 3 यूनिट कर रहा है। c यहाँ से निकल के आ गई, c की क्षमता 3 यूनिट, टोटल काम है 150 यूनिट, c आपके 3 कर रहा, तो c को काम करने में कितना समय लगेगा, 150 बटा 3 करेंगे तो आपके 50 डे लग जाएंगे। यहाँ पर c का 50 कहाँ आ रहा है, ये a का है, ये b का है, ये c का है, तो a के ऑप्शन में c का 50 आ रहा है, मतलब ये वाला आप सीधा टिक कर सकते हो। लेकिन यदि आप अलग अलग निकालना चाहें कि b का कितना होगा और a का कितना होगा, अब मान लेते हैं इसके साथ करते हैं अपन, b प्लस सी ये एक दिन में 4 कर रहे हैं, a b c कितने कर रहे हैं, 6 कर रहे हैं, तो a कितना करेगा, b आपके 4 कर रहे हैं, ये b प्लस सी है, ये दोनों 4 कर रहे हैं, a b c 6 कर रहे हैं, मतलब a अकेला आपका 2 यूनिट कर रहा होगा, a 2 कर रहा है, तो 150 यूनिट करने में इसको कितने दिन लग जाएंगे, तो 150 बटा 2 बराबर कितना होता है आपके, तो ये आधा हो जाता है, 150 का आधा 75 हो जाता है, तो ए कितना करेगा आपके, 75 दिन में करेगा, जो कि ये वाला हो जाएगा। इसी प्रकार से आप बी का भी निकाल सकते हो, बी का निकालने के लिए ये वाला मैं काम में लूंगा, सी प्लस ए है ये आपके 5 यूनिट कर रहे हैं, ए प्लस बी प्लस सी कितने कर रहे हैं, तो ये 6 कर रहे हैं, इसका मतलब
सी प्लस ए तो पांच कर रहे हैं, तो ये ए और सी पांच कर रहे हैं, जो बाकी बचा हुआ वो बी करेगा, बी कितना एक कर सकता है, अब बाकी एक ही बचा है, तो 150 करने में इसको कितने दिन लग जाएंगे, तो बी को 150 दिन लग जाएंगे यहाँ पर, तो ये वाला आपके हो जाएगा ऑप्शन चार करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो सवाल है कि एक लंबवर्तीय शंकु का आयतन जिसके आधार की त्रिज्या इसकी ऊंचाई के 5/9 के समान है और वृत्त के आयतन बराबर है, शंकु और वृत्त की त्रिज्या का रेशियो आपको फाइंड आउट करना है। आपको पता होना चाहिए जो यहाँ पर आपको दे रखा है, एक तो लंबवर्तीय शंकु का आयतन, सेकेंड आपको दे रखा है इसकी ऊंचाई समान, तो वृत्त के आयतन के बराबर है, तो वृत्त, वृत्त का नहीं यहाँ पे आपके हो जाएगा गोले का आयतन, वृत्त का क्या आयतन होता है, गोले का होता है, तो गोले के आयतन के बराबर होना चाहिए। तो एक लंबवर्ती शंकु का आयतन, देखिए शंकु का आयतन कितना होता है दोस्तों, इसका फॉर्मूला, जो शंकु का आयतन होता है वो फॉर्मूले की बात करें तो 1/3 पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे R1 मान लेते हैं, और सेकेंड जो आपके गोले का आयतन दे रखा है यहाँ पे, गोले का आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई R क्यूब होता है, इसको R2 मान लेते हैं और क्यूब कर देते हैं, तो ये शंकु का है, ये गोले का। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक लंबवर्ती शंकु का आयतन यहाँ पे वर्त नहीं गोले के आयतन के बराबर है, तो ये शंकु और गोले का आयतन आपको दोनों का इक्वल दे रखा है, और जो लंबवर्ती शंकु है उसके आधार की त्रिज्या ऊंचाई के 5/9 के समान है, तो आधार की त्रिज्या, जो शंकु की त्रिज्या यहाँ पे कितनी मान रहे हैं अपन, R1 मान रहे हैं, तो जो R1 है ये इसकी ऊंचाई के 5/9 के समान है, तो ऊंचाई क्या h है, h का 5/9 ये हो जाएगी, तो R1 बराबर h गुणा 5/9, या फिर आप कह सकते हो h बराबर कितना हो जाएगा 9/5 गुणा R1, ये आपके h आ गई, क्या आ गई, h आ गई। आपको क्या निकालना है यहाँ पर, शंकु और वृत्त की का रेशियो निकालना है, तो h के स्थान पर मैं रख लूंगा जो भी होगा, तो ये दोनों इक्वल दे रखा है, तो इनको इक्वल करेंगे अपन 1/3 पाई R1 का स्क्वायर h बराबर जो गोले का आयतन है 4/3 पाई R2 का स्क्वायर, यहाँ पर आपका 3 से 3 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, पीछे क्या रहा, पीछे रहा R1 का स्क्वायर h बराबर इधर हो जाएगा आपके 4R2 का स्क्वायर, यहाँ पे क्यूब है पाई आर क्यूब, ओके, और एच के स्थान पर मैं क्या रखता हूं 9/5 आर, क्योंकि आपको एच तो लेना ही नहीं है, त्रिज्या का ही रेशियो निकालना है, तो एच के स्थान पर मैं रख लूंगा R1 का स्क्वायर गुणा 9/5 R1 बराबर आपके हो जाएगा 4R2 का क्यूब हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों इसको मैं अरेज कर देता हूं, यहाँ पे अपन क्या कर देते हैं R1 का स्क्वायर और R1 है तो R1 का क्यूब हो जाएगा, R1 का क्यूब गुणा 9/5 बराबर 4R2 का क्यूब। आपको R1 और R2 का रेशियो निकालना है शंकु और, तो इसको मैं नीचे ले आता हूँ, R1 का क्यूब बटा R2 का क्यूब बराबर ये इधर आ गया, तो ये इधर चला जाएगा 4 × 5/9 हो जाएगा, या फिर कह सकते हैं R1/R2 का जो क्यूब हो रहा है वो आपके 20/9 हो रहा है, तो क्यूब हटाऊंगा कि इसको, या क्यूब रूट हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा क्यूब रूट, तो 20/9 का आपको क्यूब रूट कितना होगा, ऑप्शन में 20/9 का क्यूब रूट नहीं है, तो आपको कैसे करना है, यहाँ पे देखिए ये आ रहा है आंसर, तो एक आ रहा रूट, क्यूब रूट 2 है, क्यूब रूट 3 है और 3 है, नीचे आपके 9 आ रहा है, कहीं पर भी 2 और 3 ऐसा कुछ नहीं है, तो आप इसको कैसे लाएंगे, यहाँ पर मैं 9 का क्यूब रूट निकालूं तो पूरा का पूरा नहीं निकलता है, तो इसको मैं गुणा कर देता हूँ आपके 3 से कर देता हूँ, क्योंकि आपको पता है 27 का पूरा क्यूब रूट निकलता है जो कि 3 होता है, तो 20 × 3 कितना हो जाएगा आपके 60 हो जाएगा, 60 का क्यूब रूट बट्टा 9 × 3 कितना है 27, 27 का क्यूब रूट कितना होता है 3 होता है, 3 क्यों होता है, क्योंकि 3 को अपन 3 बार गुणा करते हैं तो वही क्यूब रूट होता है ना, 3 का 3 बार करेंगे तो आपका क्या आएगा 27 आएगा, तो 27 का क्यूब रूट कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 60 का क्यूब रूट बट्टा 3 आंसर हो जाएगा, जो क्यूब रूट 60 रेशियो 3 ऑप्शन 4। अगला सवाल यहाँ पे जो सरलीकरण का है, तो इसमें आपको किस प्रकार से पॉइंट को हटाते हुए गुणा करके भाग करना होगा, तो ऊपर है आपके 0.16 गुणा 1.65, नीचे बट्टा में भाग देना आपको 0.075 गुणा आपके, गुणा में क्या है दोस्तों 0.02 का स्क्वायर, तो 0.02 का स्क्वायर, यानी इसको 2 बार कैसे गुणा करना है, तो सिंपली आपको 2 का स्क्वायर करना होता है, 4 हो जाता है,
पॉइंट के बाद यहाँ पे दो डिजिट है, यहाँ पर भी दो डिजिट है, तो दो और दो कितनी है, चार डिजिट हो रही है पांच के बाद, तो इधर भी आप चार लगा दीजिए, जीरो जीरो जीरो, यानी ये वाला यहाँ पॉइंट लगा दीजिए, 0.0004, पॉइंट के बाद चार डिजिट हो रही है, इधर भी आपके दो और दो चार है, तो इसका स्क्वायर करने पर क्या हो जाएगा आपके 0.0004, ये दो का स्क्वायर हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे जो भी पॉइंट है उनको रिमूव करना है, यदि ऊपर भी पॉइंट है नीचे भी पॉइंट है तो एक दूसरे को आप हटा सकते हो। तो यहाँ पर पॉइंट के बाद दो डिजिट है, यहाँ पर भी पॉइंट के बाद दो डिजिट है, तो पॉइंट के बाद ऊपर कितनी डिजिट हो रही है, चार हो रही है, नीचे देखिए नीचे ये चार है, इसके पॉइंट के बाद चार डिजिट है, तो ये ऊपर और नीचे सीधा ही हट जाएगा, तो ऊपर क्या रह जाएगा 16 और 165, नीचे इधर क्या रह जाएगा 0.075 है, चार की चारों यहाँ पे पॉइंट हट चुका है, तो चार हो जाएगा सिंपली, और 16 में चार कितनी बार जाएगा, चार बार जाएगा। अब आप पहले तो इसको पॉइंट को हटा दीजिए, पॉइंट के बाद कितनी है, तीन डिजिट है, तो ऊपर मैं सिंपली 1000 से गुणा कर दूंगा, तो ये पॉइंट हट जाएगा, पॉइंट हट जाएगा, यानी सीधा आपके रह गया 75, क्योंकि ऊपर नीचे 1000 से करते हैं, नीचे 1000 से गुणा होने पर आपके सिर्फ 75 हो जाएगा यहाँ से। अब आप क्या कीजिए, 5 से भाग दीजिए, 165 में 5 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा, नीचे भी आपको 5 से भाग देना है, 75 में 5 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, ऊपर क्या आपके गुणा 1000 है, 1000 का मतलब आपके ये 1000 इस प्रकार। अब देखिए यहाँ पे आपको भाग देना है, 5 से जा रहा है 3 बार, और ये कितनी बार जा रहा है आपके 200 बार, 3 33 में कितनी बार जा रहा है 11 बार, 11 और 4 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा आपके 44 गुणा 200, 44 और 2 का गुणा करेंगे तो 80 और 00, तो 8800 यहाँ पे ऑप्शन 4 है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 34, पिछले वर्ष एक छोटे से व्यावसायिक उद्यम में मयंक का पूंजी निवेश था 20,000, कितना रुपए था 20,000, इस वर्ष नए ग्राहकों को सेवाएं प्रदान करने के लिए वह पूंजी वित्त पोषण को पिछले वर्ष निवेश किए गए से 30% तक बढ़ाने की योजना बना रहा है, पहले इन्होंने इन्वेस्ट किया था एक छोटे से व्यवसाय के लिए 20,000 और अब वो इन्वेस्ट करना चाह रहा है 20,000 के साथ 30 और बढ़ा रहा है ये, तो अब नया कितना ये इन्वेस्ट करेगा, तो 20,000 पहले करता था उसमें से आपको जोड़ करनी है 20,000 का 30%, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, 20,000 का 30% यानी 20,000 गुणा 30 बटा 100, ये कितना हो गया आपके 200 गुणा 30 हो जाएगा, तो 6,000 हो जाएगा, 20,000 प्लस 3 दूनी 6 और 2 और 1 3 0 यानी 6,000, तो 20,000 प्लस 6,000 कितना है आपके 26,000, अब वो कितना इन्वेस्ट करेगा 26,000 करेगा, पहले 20 करता था अब 30% और बढ़ा दिया है, तो 20,000 का 30% आपके 6,000, 20,000 प्लस 6,000 26,000। अगला क्वेश्चन नंबर जो आपके 37 साइकिल, 200 ग्राम द्रव्यमान वाली एक वस्तु का उसकी 10 जूल गतिज ऊर्जा के साथ संवेग होगा, आपको जो काइनेटिक एनर्जी दे रखी है वो आपको 10 जूल दे रखी है, काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा का क्या फॉर्मूला होता है, हाफ एम वी स्क्वायर आपको दे रखा है 10 जूल, तो यहाँ से आप देखिए एम आपको 200 ग्राम दे रखा है और जूल है यहाँ पे क्या है यूनिट जूल है, तो आप क्या कीजिए जो मास दे रखा है उसको भी एसआई यूनिट में कन्वर्ट कीजिए, तो एम बराबर जो 200 ग्राम है इसको एसआई यूनिट यानी किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, 200 ग्राम में कितने किलोग्राम हो जाएंगे, तो आप क्या करेंगे 1000 से भाग देंगे, 1000 से भाग देंगे तो 0.2 किलोग्राम, 200 ग्राम में 0.2 किलोग्राम, तो हाफ एम के स्थान पे आप रखिए 0.2 किलोग्राम गुणा वी स्क्वायर बराबर 10 है, यहाँ से आपका भाग देंगे तो 0.1, तो वी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 10 भाग इधर आपके 10 है 0.1 हो गया, वी स्क्वायर बराबर 10 भाग 0.1, यहाँ से आप स्क्वायर पॉइंट हटाएंगे तो क्या करेंगे इसमें 10 से गुणा, नीचे भी 10 से गुणा, तो पॉइंट हट गया, ऊपर कितना हो गया आपके वी स्क्वायर बराबर 100, वी स्क्वायर 100 हो रहा है तो वी कितना हो जाएगा 100 का स्क्वायर रूट होता है 10, वी बराबर आपका 10 हो गया। यहाँ पे पूछा क्या है संवेग कितना होगा, अब संवेग का अलग फॉर्मूला होता है, संवेग क्या होता है पी बराबर एम वी होता है, मास गुणा वेलोसिटी, मास आपके हो गया 0.2 किलोग्राम, वी यहाँ से निकल के आ गया आपके 10, 0.2 गुणा 10 करेंगे तो 2 हो जाएगा, समय कितना हो जाएगा 2 आपके किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन ए करेक्ट है। तो यहाँ पर आपको ध्यान में क्या रखना है, एक तो यूनिट का रखना है, ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना,
थोड़ी बहुत यहाँ पे कैलकुलेशन है और फॉर्मूला है, हाफ एम वी स्क्वायर है, ये तो आपके गतिज ऊर्जा का है जो कि 10 जूल दे रखा है। इसकी सहायता से अपन ने क्या ज्ञात किया, वेलोसिटी, फिर वेलोसिटी को आपके समय के फॉर्मूले में पुट कर दिया, एम दे रखा था, वेलोसिटी यहाँ से आ गई, आपका जो निकल के आ गया संवेग है वो 2 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। अगला सवाल जो एक बेसिक से इजी सा क्वेश्चन है कि आपको एक प्रश्न और 2 कथन दिए हैं, तो ये सबसे पहले क्वेश्चन है कि अब से 3 वर्ष बाद एस की आयु आपको ज्ञात करनी है और 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं, क्या इन्हीं 2 स्टेटमेंट की सहायता से एस की आयु ज्ञात कर पाओगे 3 वर्ष बाद। पहला स्टेटमेंट, एम की वर्तमान आयु 25 है। सेकेंड है कि एस एम से 10 वर्ष छोटा है, तो S क्या है दोस्तों, M से 10 वर्ष छोटा है, तो M माइनस 10, M की आयु यहाँ पे कितनी दे रखी है 25 है, तो S है आपके 25 माइनस 10 बराबर 15 हो जाएगा, तो S की आयु यहाँ से कितनी आ गई 15। आपको ज्ञात क्या करना था, 3 वर्ष बाद S की आयु, अभी 15 है तो 3 वर्ष बाद कितनी है 18 हो जाएगी। तो यहाँ पर ये ज्ञात करने के लिए कौन सा आपको स्टेटमेंट पर्याप्त लगा है, केवल एक से काम बन रहा था, एक में तो आपकी M की आयु आई थी लेकिन आपको S की ज्ञात करनी थी, इसलिए 2 नंबर की भी यहाँ पे जरूरत पड़ी है, यानी कथन 1 और 2 एक साथ आपकी पर्याप्त है S की 3 वर्ष बाद आयु ज्ञात करने के लिए। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, 5 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर के बीच में कितने आपकी गैर पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं, यानी पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है, तो इनके बीच में एक भी ऐसी संख्या नहीं है, एक भी ऐसी संख्या नहीं रहेगी जो पूर्ण वर्ग होगी। जैसे 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है, 6 का स्क्वायर आपके 36 होता है, 25 और 36 के मध्य आप संख्याएं निकालिए, 25 के बाद 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 और 35, 33, 34, 35, इसमें से ऐसी कौन सी संख्या है जो कि पूर्ण वर्ग है। पूर्ण वर्ग का क्या मतलब हुआ, जैसे कि 36 है ये पूर्ण वर्ग है, यानी 6 का एक पूरा वर्ग हो रहा है, 25 आपके 5 का वर्ग है, तो ऐसी कौन सी संख्या जो पूर्ण वर्ग है, कोई भी संख्या नहीं है 25 और 36 के मध्य, सभी जो संख्याएं निकल के आ रही हैं 26, 27, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 पूर्ण वर्ग संख्या है, गैर पूर्ण वर्ग, यहाँ पे पूर्ण वर्ग तो एक भी नहीं है, गैर पूर्ण वर्ग यानी सभी संख्याएं आपके गैर पूर्ण वर्ग, 10 हो जाएगा, 10 संख्याएं, ऑप्शन 4 हो जाएगा। अगला सवाल, इसमें क्या ज्ञात करना है, दिए गए ग्राफ के आधार पर वर्ष 1995 से 2015 तक CO2 की सांद्रता में कितना प्रतिशत यहाँ पे चेंजेज हुआ है, तो ग्राफ में क्या दे रखा है, 1995 से 2015 तक जो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन में कितना चेंजेज हुआ है, तो 1995 में कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी थी सांद्रता, ये देखिए 1995 में आप देखिए 360 थी, कितनी थी 360, तो इसमें आपके 360 थी। 2015 की बात करें तो ये देखिए 2015 का ग्राफ है, 2015 में आपकी कितनी थी, ये हो जाएगी 400, तो परिवर्तन कितना हुआ, 360 से 400 हो गई, यानी कितनी बदली है, 40 है परिवर्तन हुआ, किस में से हुआ है, 360 में से हुआ है, तो 40 भाग 360 गुणा आप 100 कीजिए, यहां से आपका आंसर आ जाएगा 11.11%। a+1/a जो दे रखा है उसका आप क्या कीजिए, डायरेक्टली क्यूब कीजिए, ये -6 दे रखा है तो उसका डायरेक्टली आप क्यूब कीजिए, और इस डायरेक्टली क्यूब करने के बाद उसमें से 3 गुणा आप जो दे रखा है वो घटा दीजिए, जो यहाँ पे मान लेते हैं ये जो दे रखा होगा ये x होगा, तो -3x आप घटा दीजिए, तो 6 का क्यूब -6 का क्यूब -216 -3 आपको कितना दे रखा है x, ये x दे रखा है आपको -6, तो -216 + 18 ये इस प्रकार से डायरेक्टली हो जाएगा। तो क्यूब ज्ञात करने के लिए a³ + 1/a³ है, इसके लिए जो भी आपको a+1/a दे उसका क्यूब कीजिए, -3 गुणा जो भी आपको a+1/a दे रखा वो कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे, 10 किलोग्राम द्रव्यमान वाली एक वस्तु 2 मीटर पर सेकेंड² वेग के साथ गतिमान है, वस्तु में निहित संवेग है, तो बिल्कुल इजी, p = mv हो जाएगा, m आपको 10 किलोग्राम, v 2 दे रखा है, तो 20 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, बिल्कुल इजी, ऑप्शन 2 करेक्ट है, फॉर्मूला वैसे इस क्वेश्चन था ये तो। नेक्स्ट यहाँ पे जो क्वेश्चन है इसमें जो दे रखा है चेंज करना है वैल्यू, तो यहाँ में ये कोष्टक हो गया, बड़ा कोष्टक है, छोटा कोष्टक है, उसके बाद 25 है, लेस देन के स्थान पे आपको क्या रखना है, लेस देन को प्लस, तो इसके स्थान पे प्लस कीजिए, कोष्टक बंद कीजिए, गुणा के स्थान गुणा को भाग के रूप में, तो भाग कीजिए 4 कीजिए, बंद कीजिए, लेस देन को फिर प्लस कीजिए 1 कीजिए,
ये आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले कोष्टक के अंदर आपको हल करना होता है बोर्ड मास नियम से, यहाँ पे क्या है भाग है, 25 प्लस 15 हो जाएंगे आपके 40, फिर ये भाग है इसको लाइए, भाग 4 कोष्टक बंद प्लस 1, 40 भाग 4 कितना है 10 हो जाएगा, प्लस 1 यानी 11, ऑप्शन 3। अगला सवाल है कि 153 किलोमीटर लंबी एक रेलगाड़ी है, वो 747 मीटर लंबे पुल को 40.5 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की गति आपको ज्ञात करनी है, क्या उसकी स्पीड क्या है रेलगाड़ी की, क्या होता है दूरी बटा समय, दूरी बटा समय, यहाँ पे समय आपको 40.5 सेकंड दे रखा, दूरी कितनी होगी, एक तो दूरी रेलगाड़ी की लंबाई है, सेकेंड पुल की लंबाई, दोनों रेलगाड़ी की लंबाई पूरी पार होगी, पुल की लंबाई है, तो दोनों की यहाँ पे आपको जोड़ करनी है, रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है 153 है, पुल की लंबाई है 747 है, इनको जोड़ करके समय यानी 40.5 सेकंड का आपको भाग देना है, और उसको भी फिर कन्वर्ट करना होगा, ये मीटर सेकंड में है तो आपको आंसर में किलोमीटर घंटा है तो उसको कन्वर्ट कर देंगे बाद में, पहले इसको ये कितना हो जाएगा आपके 900 हो जाएगा, 153 प्लस 747 900 बटा 40.5 है, तो या फिर इसको ऐसे लिख सकता हूँ 9000 बटा 405 है, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट हट गया, ऊपर नीचे अपन ने 10 से गुणा किया था पॉइंट हटा है, तो इधर 10 से गुणा करने पर पॉइंट हट गया, ऊपर हो गया 9000 बटा 405 हो रहा है स्पीड, ऑप्शन में आपके 80 किलोमीटर प्रति घंटा आ रहा है, तो इसको आपको किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना है, ये मीटर पर सेकेंड है, छोटी राशि को बड़ी में करनी है तो 18 बटा 5 कीजिए, बड़ी की यदि छोटी में आपके कम में करनी है, छोटी में तो 5 बटा 18 कीजिए, तो यहाँ पे आपके मीटर पर सेकेंड छोटी राशि है, इसको बड़ी में करनी है तो आप 18 बटा 5 करेंगे, 18 बटा 5 यहाँ पे नहीं दिख रहा तो आगे लिख देता हूँ, इसको गुणा करना है 18 बटा 5 से, अब आप इसको इजीली सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 80 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन 4 करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56, इसमें क्या दे रखा है कि बी सी डी बराबर 82 डिग्री है, तो बी ए सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, बी सी डी कौन सा है, तो ये वाला जो बी सी डी ये वाला एंगल है ये 82 डिग्री दे रखा है, और बी ए सी ये वाला एंगल है, इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, क्या होगा, तो इसका आंसर भी आपके 82 आ जाएगा, क्योंकि दोस्तों बी सी डी जितना होगा वो बराबर होगा बी ए सी का, कौन बी सी डी बराबर कौन बी ए सी, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि नियम क्या कहता है, किसी वृत्त की जीवा द्वारा स्पर्श रेखा के साथ बना गया कोण, ये वृत्त क्या आपको पता है बी सी क्या है, जीवा है, इसके द्वारा ये इसकी स्पर्श रेखा है, जो भी कोण बनाया जाता है जीवा के द्वारा स्पर्श रेखा के साथ, ये कितना 82 डिग्री बना रहा है, तो किसी वृत्त की जीवा के द्वारा स्पर्श रेखा पर बनाया हुआ कोण उसी जीवा के द्वारा वृत्त के एकांतर खंड पर बने कोण के बराबर होगा, तो इस जीवा के द्वारा वृत्त के अंदर कौन सा कोण बन रहा है, तो इस जीवा के द्वारा इसको मिलाने से ये वाला कोण बन रहा है, दोनों पॉइंट को ऊपर ले जाने पर ये वाला कोण जो बन रहा है, तो उसी जीवा द्वारा वृत्त के जो एकांतर खंड में कोण बनता है वो इक्वल होता है स्पर्श रेखा के साथ बने कोण के, यानी इसके साथ में, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण आपके बराबर, यानी 82 डिग्री का, जो कि ऑप्शन 4 में आपका करेक्ट दे रखा है। अगला सवाल, यहाँ पे पानी के 340 ग्राम विलयन में 60 ग्राम आपका साधारण नमक है, द्रव्यमान प्रतिशत द्वारा द्रव्यमान के संदर्भ में विलयन की सांद्रता आपको ज्ञात करनी है, तो विलयन की सांद्रता क्या होती है, विलयन की सांद्रता जो कंसंट्रेशन होती है वो विलय की ग्राम में मात्रा, विलय की ग्राम में मात्रा बटा विलयन की ग्राम, विलयन की ग्राम में मात्रा गुणा आपका 100 होता है, तो विलयन यहाँ पे आपका कितना मिल रहा है नमक, 60 ग्राम मिल रहा है, 60 ग्राम मिलने से टोटल विलयन हो जाता है आपके 340 प्लस 60 हो जाता है, गुणा 100 करेंगे आप प्रतिशत के लिए, तो 60 बटा 340 प्लस 60 यानी 400 गुणा 100 है, जीरो से जीरो गया, 60 में 4 का भाग 15 बार, तो यहाँ पर 15% हो जाएगा सांद्रता, विलयन की सांद्रता कितनी है आपकी 15%। अगला सवाल है, यहाँ पे 2x² प्लस ax प्लस 2b को जब x माइनस 1 से अपन विभाजित करें तो 16 आपका शेष है वो बचता है, और जब अपन x² प्लस bx, यहाँ पे x था यहाँ पे bx है, प्लस 2a को x प्लस 1 से विभाजित करें तो माइनस 1 आपका शेष बचता है, तो a प्लस b आपकी किसके बराबर होगा, तो जब भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाए तो आपको क्या करना होता है कि जो x बराबर एक यहाँ पे रखना है, x माइनस 1 यानी आपका x माइनस 1 बराबर 0, यानी x बराबर 1 जो ये है वो इस समीकरण में रखना है,
फिर इस समीकरण में रखने के बाद इसको 16 के बराबर करना होता समीकरण, इसी टाइप से सेकंड समीकरण आएगा। उन दोनों समीकरण की सहायता से अपन a प्लस बी इसे निकाल सकते हैं। तो क्या कीजिए, सबसे पहले जो x की वैल्यू है वो इस समीकरण में पुट कीजिए, x माइनस एक बराबर जीरो, यानी आपका x बराबर एक हो जाएगा। तो x बराबर एक इस समीकरण में रखने पर क्या हो जाएगा, 2 गुणा एक का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, एक ही होता है, तो एक का स्क्वायर प्लस x के स्थान पे एक रखना है, एक गुणा एक प्लस 2b, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, जो भी शेष होता है उसके इक्वल होता है। तो ये 16 है शेष आपका, 2 गुणा एक का स्क्वायर यानी 2 प्लस ए प्लस आपका 2b बराबर 16, या फिर कह सकते हैं a प्लस 2b बराबर 16 माइनस 2 हो जाएगा आपके 14, ये हो रहा है। तो a प्लस 2b कितना हो रहा है, 14 हो रहा है, ये आपका समीकरण एक मान लेते हैं। उसी प्रकार से आपको ये सेकेंड केस में करना है। सेकेंड केस में आपका क्या दे रखा है, x प्लस 1 से भाग देना है। प्रथम में x माइनस 1 से है, x प्लस 1 से है। x प्लस 1 से क्या मतलब हुआ, x प्लस 1 बराबर 0, यानी आपका x बराबर आपको माइनस 1 रखना होगा। x बराबर क्या हो जाएगा इधर आने पर, माइनस 1। तो इस वाले समीकरण में आप x बराबर माइनस 1 का स्क्वायर कीजिए, फिर प्लस 2 x के स्थान पर माइनस 1 प्लस 2a, और बराबर में आपको क्या रखना है, शेषफल। शेषफल यहाँ पे कितना है, माइनस 1 बराबर आप रखिए माइनस 1। माइनस 1 का स्क्वायर करने पर प्लस 1, और यहाँ पर आपके माइनस भी हो जाएगा, प्लस 2a बराबर माइनस 1, या फिर आप कह सकते हो इसको 1 इधर आने पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके 2a माइनस बी बराबर माइनस 2। तो 2a माइनस बी ये हो गया आपके 2a माइनस बी, 1 इधर आने पर माइनस 1, माइनस 1 और माइनस 1 माइनस 2 हो गया। तो ये वाला 15 है सेकेंड समीकरण, इसके नीचे रख देता हूँ मैं, 2a माइनस बी बराबर आपका माइनस 2 आ रहा है। तो इसमें आपको ज्ञात क्या करना है, a प्लस बी ज्ञात करना है। तो a और b सबसे पहले अलग अलग ज्ञात कर देते हैं, फिर उनको ऐड कर देंगे। तो यहाँ से आपको क्या है, एक राशि को हटाना है। तो देखिए आप, मैं 2 से गुणा कर देता हूँ इस समीकरण 2 को, ये समीकरण 2 है, इसको 2 से अपन गुणा कर देते हैं। तो 2 का 2a से गुणा 4a हो जाएगा, माइनस 2 का b से 2b बराबर आपके 2 का माइनस 2 से माइनस 4। अब देखिए जो ये वाला समीकरण है, नीचे वाला ये चेंज हो गया आपके 2 नंबर वाला, तो इसको आपको यहाँ पर प्लस करना है। समीकरण 1 और समीकरण 2 प्लस करेंगे तो 2b माइनस 2b आपका 0 हो जाएगा, a प्लस 4a कितना हो जाएगा, ये जोड़ने पर 5a हो जाएगा, और 2b माइनस 2b 0 हो गया। इधर आपके 14 में से 4 गए पीछे, कितने रहे, 10 रहे। तो 5a बराबर 10 है, तो a बराबर कितना हो जाएगा, 10/5 यानी 2। ए यहाँ पे आपका कितना हो रहा है, 2 हो रहा है। यही मान आप समीकरण ये वाला 1 में रख दीजिए, a बराबर 2 आप 1 में रख दीजिए, a बराबर 2 एक स्थान पे 2 रखा मैंने, प्लस 2b बराबर 14 है, 2b यहाँ से कितना हो जाएगा आपके 12 हो जाएगा, या फिर b कह सकते हो आपका 6 हो जाएगा। तो b 6a 2 है, a प्लस बी का मतलब 2 प्लस 6 बराबर 8, यहाँ पे ऑप्शन 4 है वो करेक्ट हो जाएगा। तो दो समीकरण को आपस में आपको हल करना था, बिल्कुल ईजिली हो जाएगा। अगला सवाल, निम्न में से किस संख्या का अपरिमेय वर्गमूल होगा, यानी पूर्ण वर्गमूल नहीं होगा कौन सी संख्या का। तो देखिए यहाँ पे सभी संख्या के आगे आपके 25 25 25 25 है, तो इसमें क्या ट्रिक बनती है वो बता देता हूँ। तो देखिए 21 0 25, तो आपने देखा होगा, जैसे कि मैं आप बता देता हूँ, 55 गुणा 55 आप करेंगे तो किस प्रकार करेंगे, डायरेक्ट ट्रिक से 5 का स्क्वायर कर दीजिए, 25 होता है, फिर 5 के साथ 1 जोड़ के ऊपर की संख्या से गुणा कीजिए, 5 के साथ 1 जोड़ेंगे 6, और 5 का गुणा 30 हो जाएगा, 30 25 है। इसी प्रकार कोई भी संख्या जिसके आगे 5 है वो आप इजिली दोनों का स्क्वायर कर सकते हो, 5 का 5 से गुणा कितना 25 है, फिर इसके साथ 1 जोड़ दीजिए, 2 और 1 3 है, 3 का 2 से 625 हो जाएगा। इस प्रकार से जिस भी संख्या के आगे आपके 5 लगा है उसका स्क्वायर करना है, जैसे 5 का 5 से 25 हो जाएगा, 5 1 और 4 से गुणा आपके 20 25 हो जाएगा। तो इसी ट्रिक की सहायता से इस क्वेश्चन को मैं हल करने वाला हूँ। 210 25 है, 210 25 है, तो 25 है इसका मतलब ये 5 का रहा, तो एक संख्या तो आपकी 5 आ गई। फिर 210 क्या है, दोनों संख्या का गुणा होगा, जैसे 5 और 6 हो रहा है ना, इसी प्रकार एक संख्या और प्लस उसका 1 है। वैसे देखिए कौन सी संख्या को आपस में गुणा करने पर 210 के आसपास आ जाती है, तो आप कहेंगे कि 15 और 15 का करते हैं तो 225 आता है, फिर 14 और 14 का करते हैं तो आपके 196 आता है,
तो वह संख्या 14 और 15 के बीच में है। तो आप देखिए 14 और 15 का गुणा कीजिए, 14 और 15 का गुणा कितना हो रहा है आपके 210 हो रहा है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, 25 का किसका है, 5 का, और फिर 14 और 15 में से कम वाली संख्या आपको 14 लेनी है। तो 145 का आप स्क्वायर करते हो ना, तो 210 25 आता है, क्योंकि ये सेम संख्या पीछे 5 है, तो 25 करेंगे फिर इसका एक जोड़ के करते हैं ना अपन, 14 गुणा 15 210 हो जाएगा। तो ये तो आपका पूर्ण हो रहा है, पूर्ण वर्ग हो रहा है, तो 210 25 से इस वर्गमूल निकल रहा है। अब यहाँ पे इसका नहीं निकल रहा तो एक बार इसको मैं छोड़ देता हूँ, आपसे नहीं होगा। 132 25 का इसी प्रकार हो जाएगा, तो 25 है ये 5 का हो गया आपके। अब देखिए 132 है ये किसका गुणा हो रहा है, दो पास पास की संख्या है, तो आप क्या करेंगे कि जो हो रहा है 13 है, 13 169 है, 12 देखिए 144 है, और 11 121 है, 11 क्या है 121 है। तो ये संख्या 132 आ रही है जो कि 11 और 12 के बीच में आ रही है, 12 आपके 144 है, 11 121 है, मतलब 11 और 12 का गुणा करने पर ही 132 आ रहा है। यहाँ पे 11 और 12 का आप गुणा करेंगे तो 132 आ रहा है, आपको पता है 11 और 12 गुणा 132 होता है। तो यहाँ पर एक तो आपके 25 है मतलब 5 हो गया डायरेक्टली, और 132 में क्या है 11 और 12 का गुणा, यानी सबसे कम वाला लेंगे तो ये हो लेंगे अपन 11। तो 125 किसका आपके वर्ग है, तो ये है आपके 115 का है 132 जो कि आपके पूर्ण वर्ग है, मतलब अपरिमेय नहीं है। इसी प्रकार 156 25 का आप क्या करेंगे, 5 करेंगे, 156 फिर किसका हो जाएगा, तो 156 की बात करें 14 का आपका होता है 196, 13 का होता है 169, और 156 इससे भी कम है, 12 का 144 होता है। तो 12 और 13 के मध्य आप देख सकते हो, ये 144 और 169 के मध्य है, तो ये 12 और 13 का गुणा करते हो तो आपका 156 आता है। सबसे कम क्या है आपके 12 है, तो ये देखिए 12, 125 का स्क्वायर करेंगे तो 156 25 आ रहा है, 115 का आ रहा है, 132 25 है, इसी प्रकार 210 25 का भी आ रहा है, 180 और 25 का आप कीजिए, 25 का तो 5 हो जाएगा। अब 180 की बारी आ गई, तो 180 आपके 14 के मध्य है ना, 14 और 13 के मध्य, क्योंकि 14 196 हो जाता है, और 13 देखिए अपन जब 14 और 13 का गुणा करते हैं, 14 और 13 का गुणा, तो आपके 180 नहीं आता है, 182 आता है। मतलब क्या हुआ, ये पूर्ण वर्ग नहीं है, इस संख्या का वर्गमूल पूर्ण रूप से नहीं निकलता है, इसका मतलब ये आपके डायरेक्टली अपरिमेय वर्गमूल हो जाती है। तो यहाँ से आप ऐसे कर सकते हो, या फिर इसका जो आप अभाज्य गुणनखंड कीजिए प्रत्येक संख्या का, ऐसे नहीं करना चाहते हो तो प्रत्येक संख्या का अभाज्य गुणनखंड करके आप उसका वर्गमूल निकालिए, और 180 25 का आपके नहीं निकलेगा, बाकी सभी का निकल जाएगा, इसका मतलब ये अपरिमेय वर्गमूल हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि के कोष में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। तो आपको पता होना चाहिए परमाणु की किसी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो सकती है। तो परमाणु की किसी भी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या वो 2n स्क्वायर के सूत्र से निकाली जाती है, जिसमें अलग अलग परमाणु कोष है, जैसे K है, K में आपके n बराबर 1 होता है, K में n बराबर 1 है। उसके बाद L की बात करें, L में n बराबर 2 होता है। M में बात करें, N में आपके M के अंदर n बराबर 3 है, तो K कोष में n बराबर 1 रखेंगे तो 2 गुणा 1 गुणा 1 करेंगे तो आपका कितना इलेक्ट्रॉन आ सकता है। अब मैं बात करूँ L की, तो L में n बराबर 2 है, 2 के स्थान पर आपको n के स्थान पर 2 रखना है, यानी 2 गुणा 2 करेंगे तो आपके हो जाएगा 8 हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो L कोष में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, K कोष में 2 आ सकते हैं। M कोष की बात करें तो M में n बराबर 3 रखना है, तो 2 गुणा 3 गुणा आप 3 करेंगे तो कितने आ जाए, 18 हो जाएगा आपकी। तो N में यहाँ पे M में हो जाएगा 18, L में 8, K में आपका 2 हो गया, तो 2 का आपको पूछा है, K का ही 2 हो जाएगा, ऑप्शन 3 करेक्ट है। अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन 5/11 और 11/5 का आपको योग करना है, बिल्कुल यहाँ पे पांचवी क्लास वाला सवाल है। इसमें क्या है, एलसीएम लेना है, 11 और 5 का एलसीएम कितना है, 55 हो जाएगा। फिर आप कीजिए यहाँ पे 5 गुणा 5 प्लस 11 गुणा 11, तो 25, 121 बटा 55, तो 25 प्लस 121 कितने होते हैं, 146 बटा 55, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, 146 बटा 55। अगला सवाल यहाँ पे
4356 का वर्गमूल है, तो 4356 का वर्गमूल निकालना है। या तो आप इसको ऑप्शन से कर सकते हो, सभी ऑप्शन को ट्राई कीजिए, स्क्वायर करके ये संख्या आ रही तो उत्तर हो जाएगा। तो इसमें आपके 66 आ रहा है, करेक्ट है। तो ऑप्शन में भी आप एक ट्रिक लगा सकते हो, कैसे लगा सकते हो, आप देखिए 4356 है वो किसके आसपास आता है। तो आप करिए, मान लीजिए मैं कर देता हूँ यहाँ पे 50 का करता हूँ, 50 का स्क्वायर कितना 2500 होता, तो इसके पास तो आता नहीं। फिर आप कीजिए 60 का आपके 3600 होता है, 70 की बात करें तो आपके 4900 होता है। तो 60 और 70 के मध्य आ रहा है ये संख्या, 60 और 70 के मध्य कौन सी है, यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग सिर्फ और सिर्फ 66 है और 64 है। अब 64 और 66 का आप कर दीजिए, तो दोनों में ये दो ऑप्शन तो पहले ही गायब हो जाते हैं। फिर आप 64 और 66 का स्क्वायर करेंगे, तो 66 का स्क्वायर करने पर 4356 आता है। और या फिर बेसिक से बात करें, जो भाग विधि इससे पहले वाले इक्वेशन मैंने बताई है तो वो भी बता देता हूँ। तो इसमें क्या है, भाग विधि में 4356 लिखिए और इस प्रकार आपको, 1 सेकेंड ये गलत हो गया, ये ऐसे। तो इसमें आपको पैर बनाना होता है, दो दो का आपका युग्म बन रहा है। फिर आप क्या कीजिए, ऐसी कौन सी संख्या है जिसका स्क्वायर करने पर आपके 43 या इससे कम प्राप्त हो जाए, तो ऐसी कौन सी संख्या आप कहेंगे, ये तो हो सकती है 6 हो सकती है। 6 का स्क्वायर करेंगे 36 आ रहा है। फिर 7 का कर रहे हैं तो आपके 49 आ रहा है, जो कि ज़्यादा आ रहा है। आपको आपको क्या कम चाहिए या बराबर चाहिए, तो मैं कर देता हूँ यहाँ पे 6 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर करने पर कितना आ रहा है आपके, 36 आ रहा है। किसका स्क्वायर किया मैंने, 6 का, तो 6 ऊपर लिख दूंगा। अब देखिए यहाँ पे आपको 6 जो भी आप स्क्वायर करें उसको ऐड कीजिए, जो भी संख्या है 6 और 6 कितनी है 12 हो जाएगी। अब 43 में से आपको 36 माइनस करना है, तो आपके कितना यहाँ पे, ये 7 हो जाएगा, ओके। और फिर यहाँ पे आपको क्या करना है, जो भी नेक्स्ट पेयर है वो उतारना है, 556 है। अब ये तो आपके स्थिर हो गया, इसके आगे जो भी आपको ऑपरेशन करना है, मान लीजिए मैं 1 करता हूँ तो नीचे भी आपको 1 से गुणा करना है, 121 का 1 से गुणा करने पर 121 आएगा, लेकिन आपको 756 चाहिए। देखिए मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, यहाँ पे मान लेते हैं 2 से गुणा करता हूँ, 2 से गुणा करने पर क्या हो जाएगा आपके, 122 का 2 से गुणा कीजिए तो 144, यहाँ पे 244 आ रहा है, आपको 756 चाहिए, तो 2 से गुणा भी आपको नहीं करना है। तो किससे गुणा करना है, तो आप खुद यहाँ पे इजीली अनुमान लगा सकते हो, लगभग यहाँ पे अपन यदि 6 से गुणा करते हैं तो इसके आसपास संख्या आ सकती है। 6 का 2 से गुणा करने पर कितना आ रहा है आपके, 12 आ रहा है। यहाँ पे गुणा, जो भी आप गुणा करते हो वो इस साइड लिखना होता है आपको। 6 से 2 से गुणा करने पर कितना आ रहा है आपके, 6 दूनी, यहाँ पे 6 लिखना, ऊपर भी 6 है, जो भी संख्या यहाँ रखते हो नीचे उसी संख्या से गुणा करना आपको। यहाँ 6 है तो ऊपर नीचे दोनों 6 होगी, 6 का 6 से गुणा आपके 36, हासिल 3, 6 दुनी 12 और 3 15, हासिल 1, 6 और 1 7, तो 756 हो रहा है यहाँ से। तो देखिए ये माइनस करने पर आपका 0 हो गया। कितनी बार गुणा किया आपने, 6 का 6 से किया, तो आपका यहाँ पर भी 6 आ जाएगा। तो कितना है ये, 0 हो गया, मतलब आगे पैर भी नहीं है, यहाँ पर 0 हो गया, भाग पूरा चला गया आपके, 66 हो जाएगा। ये 66 का वर्ग है 4356। तो इस प्रकार आप भाग विधि से कर सकते हो। यदि समझ में नहीं आया दोबारा इसको मैं रिपीट कर देता हूँ, दो दो का पैर बनाया, फिर आपको जो पहले वाला पैर है उसके साथ संख्या लगानी है, यानी 43 आ रहा है, ऐसी कौन सी संख्या जिसका स्कोर करने पर 43 या इससे कम आ जाए, तो आपका का स्कोर 36 हो रहा है, 7 का 49 ज्यादा हो रहा है, तो 6 का हो जाएगा। तो जो भी आप यहाँ पे लिख रहे हो 6, तो उसके नीचे 6 लगाइए और 6 का 6 से आपके 36 हो जाएगा। यहाँ पर आपके ऊपर आंसर में भी, भागफल में भी 6 लिखिए। अब 6 का जो भी आपने किया उसको जोड़ कीजिए, 6 का 6 से किया तो आपका 12 हो गया। फिर यहाँ पे 36, 43 में से 36 गए, पीछे गए 7 हैं, नेक्स्ट पैर उतरेगा सीधा, पूरा पैर उतरेगा 56, और इधर क्या आपके 6 और 6 12 हैं। अब यहाँ से 12 स्तर हो जाएगा, उसके आगे जो भी करना है, 1 करे तो नीचे भी 1 कीजिए, यहाँ से 2 से करे तो नीचे भी 2 से गुणा कीजिए, 3 करे तो नीचे भी 3 से कीजिए, इस प्रकार आपको करना होता है। जैसे 123 का 3 से करेंगे तो 756 से कम होगा, 4 कर रहा हूँ तो नीचे भी 4 करूँ, इसी प्रकार मैंने 6 किया नीचे भी 6 किया, तो आपके 756 प्राप्त हो गया है, और जो कि ऊपर 6 हो जाएगा, ऑप्शन 66 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो ये भाग विधि है, यदि आपको नहीं पता है तो यहाँ से आप कर सकते हो। अगला सवाल यहाँ पे कार्य और समय का, यहाँ पे इस सेट में बहुत से क्वेश्चन आए हैं। पाइप ए एक खाली हौद को 6.8 घंटे में भर सकता है, तो ए क्या करता है, खाली हौद है उसको 6.8 घंटे में भर सकता है, बी यहाँ पे उसी खाली हौद को भर सकता है 10.2 घंटे में, और केवल पाइप बी को 1.7 घंटे के लिए चालू किया जाता है, जिसके बाद पाइप ए को चालू किया जाता है। पहले आप पाइप यहाँ पे बी चालू कर रहे हो, फिर आपके उसके बाद पाइप ए चालू कर रहे हो,
तो 10.2 और 6.8 इसका आपको क्या लेना है, सबसे पहले एलसीएम लेना है, तो वो मैंने बताया है, इसका गुणा कीजिए। जैसे कि मैं 6.8 का दो गुणा करता हूँ, बड़ी वाली संख्या से आप कोशिश कीजिए, तो 10.2 का मैं दोगुना करता हूँ, कितना हो जाता है 10.2 का गुणा, तो 20.4 हो जाता है। अब देखिए 6.8 का 20.4 में भाग जा रहा है, तो ये आपके सही हो जाएगी, दो से गुणा करना बिल्कुल जा रहा है। 6.8 20.4 से कितनी बार जा रहा है आपकी, तीन बार जा रहा है, और 10.2 का 20.4 से आपने दोगुना किया तो दो बार जा रहा है। इसका क्या मतलब हुआ कि टोटल आपके वर्क है 20.4 यूनिट है, और ए कर रहा है यहाँ पे घंटा है ना, तो ए एक घंटे में 3 यूनिट कर रहा है, बी एक घंटे में 2 यूनिट कर रहा है, और आपको क्या पूछा है कि 1.7 घंटा चालू किया जाता है पाइप बी को, तो ये आपका बी है, बी एक घंटे में 2 यूनिट कर रहा है, तो 1.7 घंटे में कितनी करेगा, 1.7 गुणा 2 करेंगे तो ये आपके 7.3.4 यूनिट कर देगा बी, क्योंकि सबसे पहले इसको 1.7 घंटे के लिए चालू किया जाता है। सिर्फ बी को करते हैं तो अपन बी को ही करेंगे, यहाँ पे बी एक घंटे में 2 कर रहा है तो 1.7 घंटे में 3.4 यूनिट कर रहा है, टोटल आपका कितना यूनिट काम था, 20.4 यूनिट था, उसमें से आपका काम कितना हो गया है, 3.4 हो गया है, पीछे काम कितना रहा है, तो 3.4 में से आपका 10.20.4 ओके, तो पीछे आपका रहा है 17 यूनिट, कितना रहा है 17 यूनिट रहा है। अब 17 यूनिट काम ये कौन करेगा, ये अब पाइप ए भी चालू हो गया है, बी तो पहले ही चालू कर दिया गया था, तो अब ये दोनों मिलकर करेंगे आपका 3.4 यूनिट, तो काम यहाँ पे किसने कर दिया है, बी ने कर दिया, अब दोनों मिलकर यहाँ पे काम करने वाले हैं 17 यूनिट जो कि बचा हुआ काम है, तो दोनों मिलकर काम कितना करते हैं एक घंटे में, ये 3 करता ये 2 करता, दोनों मिलकर 5 करते हैं, तो दोनों मिलकर एक घंटे में 5 यूनिट करते हैं, तो 17 यूनिट काम करने में कितने घंटे लगेंगे, तो 17/5 मैं क्या करूँगा 5 करूँगा, तो 17/5 कितना होता है 3.4 घंटा, जो 17 यूनिट काम था ये दोनों ने मिलकर 3.4 घंटा में कर लिया है। अब देखिए टोटल आपको कितना समय लगा है, तो टोटल समय की बात करें तो 1.7 घंटा तो ये पहले ही लग चुका है, और 3.4 अब लग गया दोनों के द्वारा, तो 1.7 प्लस 3.4 की बात करें, 7 और 4 11 हासिल 1 3 1 4 और 5, यानी 5.1 घंटा लगा है, 5.1 घंटा। 5.1 घंटे का क्या मतलब हुआ, इसको यदि मिनट में कन्वर्ट करूं तो 5.1 घंटा मतलब 5 प्लस 0.1 घंटा, 5 घंटा प्लस 0.1 घंटा, 5 घंटा तो है ही है, 0.1 घंटा को आपको मिनट में चेंज करना है। एक घंटे में दोस्तों 60 मिनट होती है, तो 0.1 घंटे में कितनी हो जाएगी, 60 से गुणा करूंगा ना मैं, तो 0.1 का आप 60 से गुणा कीजिए 0.1 का, 60 गुणा 0.1 का मतलब क्या हुआ कि 60 में आपको 10 का भाग देना है, 60 में 10 का भाग 6 बार, तो मिनट कितनी हो गई, 6 मिनट हो गई, 5 घंटा प्लस आपके 6 मिनट, जो कि ऑप्शन एक में करेक्ट दे रखा है, 5 घंटा और 6 मिनट हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे ए और बी का रेशियो आपको दे रखा है, बी और सी का दे रखा है, ए बी सी का ज्ञात करना है, आंसर में आपके भिन्न में नहीं है, तो सबसे पहले आप भिन्न को ही हटा देते हैं, इसको सरल कर देते हैं, 3/2 और 7/3 है जो कि ए और बी का है, इसको आप यदि भिन्न से हटाते हो 3/2 और 7/3 है यहाँ पे, तो आप क्या करेंगे, दो हर का एलसीएम लेंगे, 3 और 2 का एलसीएम कितना होता है 6 होता है, तो 3/2 × 6 = 7/3 × 6, तो यहाँ से आप घटा सकते हो, 3 बार गया 3 और 3 का गुणा 9 अनुपात, ये 2 बार गया 7 और 2 का गुणा 14, तो ये हट गया आपके 9:14 हो गया है, ए और बी का कितना हो गया है 9:14। इसी प्रकार बी और सी की तो 1/5 और 1/7 है, तो 1 के अंदर है तो सीधी आपकी उल्टी हो जाएगी, यानी 7:5 हो जाएगा, क्योंकि इसका एलसीएम लेने पर कितना आता है 35 आता है ना, 5 का 35 में 7 बार और 7 का 35 में 5 बार, यानी 7:5 हो जाता है बी और सी का, तो ये 7:5 हो जाता है। अब आप क्या कीजिए दोस्तों, ए और बी और सी ये रेशियो है, ए और बी का कितना आ रहा है 9 और 14 का आ रहा है, बी और सी का कितना आ रहा है 7 और 5 का आ रहा है, या फिर आप डायरेक्टली इसको 14 बना सकते हो, 7 को आपको पता है 2 से गुणा करने पर 14 है, तो इसको भी अपन 2 से गुणा कर देते हैं, तो ये 14 और 10 हो जाते हैं ना, तो ये डायरेक्ट आपका रेशियो बन जाएगा, ए है 9, बी यहाँ पर 14, दोनों में समान है, कोई दिक्कत नहीं है, तो ए 9 बी 14 सी 10, 9 14 10 किस में हो रहा है 3 में हो रहा है, यहाँ पर डायरेक्टली नहीं बनता है तो आप क्या करते हैं, डायरेक्टली मतलब क्या हुआ, देखिए यहाँ पे आपके 14 और 10 बन रहे थे, 2 से गुणा करने पर हो रहा था, 2 से गुणा नहीं होता है, यहाँ पे 14 नहीं था, तो क्या करते आप, तो इसको और इससे गुणा करता, 9 और 7 करते रेशियो, 14 और 7 करते
14 और 7 ये करते, फिर रेशियो लगाते और 4 और 5 करते, तो ये आपका ए बी और सी का रेशियो यहाँ से बन जाता, यहाँ पे 4 नहीं 14 और 5। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके जो सरलीकरण का है, तो इसको आप बिल्कुल इजीली कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या हल करना पड़ता है, छोटा कोष्टक, ब्रैकेट हल कीजिए, ब्रैकेट में भी छोटा कोष्टक ये वाला हल कीजिए। अब ब्रैकेट के अंदर आपको बोर्ड मास का नियम लगाना है। सबसे पहले आपको क्या करता है, बोर्ड मास में आपका भाग होगा, गुणा होगा, जोड़ होगा और बाकी होगा। तो भाग में देखिए 56/7 कीजिए, तो 56/7 करने पर कितना हो जाएगा आपके, 8 हो जाएगा, फिर गुणा 4 है। अब 8 × 4 कीजिए, भाग के बाद आप गुणा करते हो 32 से। अब देखिए 45 - 32, यहाँ से आपका छोटा कोष्टक निकल जाएगा, जो 45 - 32 कितने होते हैं आपके, 13 होते हैं। यहाँ पे क्या था आपके, 29 था, ये मंझला कोष्टक है, 29 - 13। अब 29 - 13 कितना होते हैं, 16 होते हैं। यहाँ पर आपका बड़ा कोष्टक क्या था, 68 था। अब 68 - 16 कितने हो जाएंगे आपके, 52 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे यहाँ पे, 52 हो जाएंगे। ये पूरा कोष्टक सॉल्व करने पर आपका क्या आ गया, यहाँ पे 52 आ गया। अब 104/52 यानी 52 × 104 हो रहे हैं ना, ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, तो ये ग्रुप डी के लगभग प्रत्येक शिफ्ट में एक तो क्वेश्चन पूछा ही गया था, एक दो इससे दो क्वेश्चन आए थे पहले वाले शिफ्ट में, तो जो कल इससे पहले वाला वीडियो था, कि एक वस्तु 4 सेकंड में 25 मीटर और 2 सेकंड में 15 मीटर की यात्रा करती है, तो वस्तु की औसत चाल, औसत चाल आते ही आपके दिमाग में आना चाहिए कुल दूरी बटा कुल समय का, ये पूछ रहा है कुल दूरी बटा कुल समय कितना इसको, तो समय यहाँ पे कुल दूरी की बात करें तो 4 सेकंड में 25 मीटर है, तो 25 + 2 सेकंड में 15 है, यानी 25 + 15 तो आपकी दूरी हो गई। समय इनको 4 है, इनको 2 लग रहा है इस स्थिति में, तो 4 + 2 आपके 6 हो गए, 25 + 15 यानी 40 हो गया, 4 + 2 = 6, 40 में 6 का भाग दीजिए, 6.67 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा आपकी। अगला सवाल यहाँ पे, किसी संख्या का 63% 315 है, तो वह संख्या क्या है। मान लीजिए वो संख्या x है दोस्तों, x है, और किसी संख्या का x का, किसी संख्या नहीं अपन x मान रहे हैं वो संख्या, तो x का 63% कितना आ रहा है। x का 63% का मतलब क्या हुआ, x गुणा 63% है, ये आपके 315 आ रहा, कितना आ रहा है 315, तो यहाँ से x कितना हो जाएगा 315 गुणा 100 भाग में, तो इधर गुणा में, और ये गुणा में तो इधर भाग में हो जाएगा, उल्टा होता है। x बराबर आप देखिए 63 का आप 315 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 बार, फिर 5 का 100 से गुणा कीजिए तो 500 हो जाएगा, ऑप्शन 2। अगला सवाल यहाँ पे, एक विद्यार्थी है जो कि, एक विद्यार्थी को उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त करना आवश्यक है। मान लेते हैं कि पूर्णांक 100 का है ना, तो उनको 40 लाने तो अनिवार्य है, उसे 40 अंक प्राप्त हुए, एक परीक्षा में 40 तो प्राप्त हो गए, लेकिन वह 40 अंकों से फेल हो गए, क्योंकि पूर्णांक 100 का नहीं था, ज्यादा का था इसका मतलब, तो 40 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। परीक्षा के प्राप्त करने योग्य अधिकतम अंक ने आपको पूर्णांक पूछा है कि परीक्षा कितने नंबर की थी, तो ये कितने से फेल हुआ है, 40 से हुआ है, आए कितने हैं, 40 आए हैं, तो पास होने के लिए इनको कितने मार्क यहाँ पे पर्याप्त थे, तो 40 अंक पर्याप्त उनको प्राप्त हुए हैं, और 40 और लाते तो ये पास हो जाते, जो कि 40 अंकों से क्योंकि अनुत्तीर्ण हो रहा है ना, तो कितने अंक में पास हो रहा है, 80 अंक में, 40 इनको प्राप्त हुए हैं, 40 और लाते तो पास हो जाते, यानी 80 अंक आ जाते तो ये विद्यार्थी पास हो जाता। 80 अंक आने से क्या मतलब हुआ कि मिनिमम अंक 80 आपको चाहिए, जो कि 40% है, यहाँ पे मिनिमम अंक कितने हैं, 40% है। तो जो भी पूर्णांक है, मान लेते हैं x आपका अधिकतम अंक है, x का यदि अपन 40% निकाले ना, तो आप आना चाहिए, यहाँ पे आ रहे हैं ना, जो कि मिनिमम पासिंग मार्क्स आपके 80 है, ये क्या है, 40% है पूर्णांक का, तो ये मैंने पूर्णांक x मान लिया, उसका 40% निकाला, तो ये कितने आने चाहिए, 80 आने चाहिए, तो इसका 40% कितना आ रहा है, 0 से 0 गया, x बराबर क्या हो जाएगा, 80 × 10/4 हो जाएगा, ये कितनी बार गया आपके, 20 बार, 20 × 10 यानी 200, तो x बराबर 200 है, क्योंकि अपन ने अधिकतम अंक कितने x माने हैं, तो x यहाँ से कितना आ रहा है, 200 आ रहा है, तो आपके पूर्णांक कितने का है, 200 का है, पूर्णांक 200 का है, स्टूडेंट के 40 अंक आ रहे हैं, मतलब 20% अंक आ रहे हैं, चाहिए कितने, 40%, मतलब 80 अंक तो इन्हें चाहिए, जो कि यहाँ पर ये देख सकते हो, तो पूर्णांक आपका आ गया है 200 नंबर। अगला सवाल जो कि साइंस का न्यूमेरिकल है, कि एक दुकान एक माह में 200 यूनिट ऊर्जा का उपयोग करती है, तो कितनी ऊर्जा का उपयोग जूल में किया गया है, 250 यूनिट यहाँ पे दे रखा है,
तो एक यूनिट का मतलब क्या होता है दोस्तों? एक यूनिट का मतलब है कि 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट आवर है एक यूनिट। अब देखिए 1 किलोवाट आवर में कितने जूल होते हैं, तो मैं क्या करूंगा, 1 किलो का मतलब क्या हुआ, 10 की घात 3 है ना, किलो का मतलब 1000 ही होता है, 10 की घात 3, वॉट का वॉट हो जाएगा घंटा, वो 1 किलोवाट घंटा है। जूल आपको पता है ऐसा यूनिट है, तो आप घंटे को भी ऐसा यूनिट में चेंज करेंगे, तो 1 घंटे में कितने दोस्तों सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड होते हैं 60, तो ये 3600 है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3.6 × 10 की घात 6 जूल हो जाएगा ये। ये एक यूनिट में होता है दोस्तों, 3.6 लगाया तो पीछे कितने जीरो हो जाएंगे, 3 है तो 10 की घात 3 ये, और 3 × 10 की घात 6 हो गया, 3.6 × 10 की घात 6 जूल। तो ये एक यूनिट में इतने जूल होते हैं। आपको कितने यूनिट का पूछा है, 250 का, एक में इतने होते हैं, तो 250 का अपन गुणा कर देंगे 3.6 × 10 की घात 6 से, तो यहाँ पर आपके हो जाएगा 2.5 × 3.6 × 10 की घात 8 है, क्योंकि आपने पॉइंट यहाँ पे लगा दिया है दो संख्या से पहले, तो 10 की घात अपन ने 8 कर दी है, क्योंकि ऑप्शन में आ रहा है ना यहाँ पे 10 घात 8 है, पॉजिटिव में एक ही आ रही है 10 घात 8, और 2.5 और 3.6 का गुणा भी 9 होता है, जो कि यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, आपके 9 × 10 की घात 8 जूल हो जाएगा। अगला सवाल, यहाँ पे दो आदमी एक्स और वाई पी और क्यू के बीच की 21 किलोमीटर की दूरी क्रमश 3 और 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तय, क्यू पर पहुंचते ही वाई तुरंत वापस आता है और एक्स से आर पॉइंट पर मिलता है, पी से आर के बीच की आपको दूरी है वो फाइंड आउट करनी है। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन को समझिए, यहाँ पर आपको 2.1 पी दे रखा है और यहाँ पे अपन क्यू मान लेते हैं, और x है एक y है, x की स्पीड है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, y की आपकी 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, x की यहाँ पे देख सकते हैं स्पीड कम है, तो होता क्या है कि x और y यहाँ से P से रवाना होते हैं, y की तेज है तो y Q पर पहुंचकर वापस आ जाता है, वापस जब यहाँ पर y आता है ना तब ये x से मिलता है, ये बिंदु इसने R माना है क्वेश्चन में, तो y वापस आकर यहाँ पर x से मिलता है, तो इनके मध्य की दूरी आपको कितनी दे रखी है, 21 दे रखी है। ज्ञात कौन सी दूरी करनी है P से R तक की, ये वाले आपको मान लेते हैं आपकी कितनी है, इसको अपन मान लेते हैं T किलोमीटर, कितनी है T, तो ये T आपको फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए दोस्तों एक यहाँ पे आप बात नोट कर रहे हो कि दोनों को समय बराबर लग रहा है, जब P ये X है, X R तक जाने में जितना समय ले रहा है उतना ही समय यहाँ पर Y है वो Q से होते हुए R तक आने में वापस ले रहा है, तो समय बराबर लग रहा है, तो समय का यहाँ पे क्या फंडा रहेगा इसकी सहायता से अपन हल कर पाएंगे। तो समय जो यहाँ पे मान लेता हूँ, जो भी समय लग रहा है वो बराबर है, तो x का समय कितना है, x का जो समय लग रहा है वो कितना हो जाएगा, तो दूरी बटा चाल होता है, x की दूरी कितनी तय कर रहा है, तो x यहाँ से p से रवाना हो रहा है, r तक पहुँच रहा है, तब वापस y यहाँ से मिल रहा है, तो x r तक दूरी अपन ने t मानी है, तो p से r तक t दूरी है, तो x t दूरी तय कर रहा है, तो दूरी बटा चाल कितनी है, 3 है, तो ये समय लग रहा है x को, x को जो समय लग रहा है वो t बटा 3 लग रहा है, ये बराबर हो रहा है y के समय के, ये y के समय के, x का समय है बराबर आपके y का समय होना चाहिए, क्योंकि दोनों ही यहाँ पे y रुक नहीं रहा है, यहाँ पे x धीमे चल रहा है इसलिए r तक पहुँच रहा है, y तेज चल रहा है q से वापस r तक आ रहा है, लेकिन दोनों को r तक आने में समय बराबर लग रहा है, यहाँ पर r तक y वापस आ रहा है इसलिए यहाँ पे बराबर लग रहा है, नहीं तो पहले ही पहुँच गया था y तो वापस आने में बराबर लग रहा है, तो दूरी ज़्यादा हो जाएगी, यहाँ पर दूरी इनकी t हो रही थी, तो y की कितनी हो जाएगी ज़्यादा, तो ये 21 किलोमीटर तो पहले y गया, 21 किलोमीटर तो है ही है, इसके साथ में कौन सी है, वापस आने पर ये दूरी और हो जाएगी ना, ये दूरी कितनी है 21 में से यदि अपन t घटा दे तो ये दूरी आ जाएगी ना, ये t है और पूरा 21 है, 21 में से t घटाएंगे तो पीछे ये रह जाएगी, तो ये y कितना चला है 21 + 21 t घटा देते हैं, 21 + 21 में से t घटा देते हैं, चाल इसकी है 4। अब यहाँ से आपका t याद हो जाएगा, क्या है, यहाँ से t ज्ञात हो जाएगा, कैसे होगा, t बटा 3 है, इसको आप वज्र गुणा कीजिए, 4 और t से गुणा कीजिए, t क्या है यहाँ पे दूरी है, 4t बराबर इसका गुणा कीजिए, पहले इसको जोड़ देते हैं, 21 × 42 माइनस t है, यहाँ पर क्या है 42 माइनस t हो जाएगा आपके, तो 3 और 42 से गुणा कीजिए तो आपका क्या हो जाएगा, तो t 3 और 42 से गुणा हो जाएगा आपके 6 126 हो जाएगा, और फिर आपके t और माइनस 3 और t का -3t। अब देखिए 4t + 3t बराबर 126, यानी आपके 7t बराबर 100
रहा है तो टी बराबर कितना आएगा 126/7। तो 126/7 कितना होता है आपको पता है, ये 18 हो जाएगा, 126/7 यानी 18। तो ये टी आपने जो माना है वो कितनी निकल के आई है, 18। टी आपने ये वाली दूरी माना है ना पी से आर तक की, पी से आर तक की आपको पूछा है जो कि 18 निकल के आ गई है, ऑप्शन 4 करेक्ट है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल है यहाँ पे वेन डायग्राम का है और इसमें आप वेन डायग्राम देख सकते हो जो यहाँ पे कौन सा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ए है ये जो कुशल है उनको रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कुशल लोग हैं, ये ए वाला सर्कल है कुशल लोगों को कर रहा है। बी वाला किसको कर रहा है, जो लोग ईमानदार हैं, और सी वाला किसको कर रहा है, जो परिश्रमी है। और आपको पूछा क्या है, कौन सा रेखाखंड उन लोगों का प्रतिनिधित्व करता है जो केवल मेहनती हैं लेकिन ईमानदार और कुशल नहीं है। मेहनती का मतलब यहाँ पे जो परिश्रमी है, केवल परिश्रमी वाला वैसे तो कौन सा है, सी है, ये वाला सी वाला परिश्रमी का है। लेकिन यहाँ पर इसमें से आपको माइनस करना, माइनस क्या करना है कि ईमानदार और कुशल आपको माइनस कर देने हैं। तो ईमानदार कौन से, बी वाले, कुशल ए वाले हैं। तो बी वाले और ए वाले इसमें से माइनस कर दीजिए, सी में से बी वाले और ए वाले क्या है, ये वी एस टी, ये तीनों ही आपके माइनस हो जाएंगे जो ए और बी में। तो माइनस में आपको करना है वी एस और टी, तो सी माइनस वी प्लस एस प्लस टी देख लेते हैं कौन से ऑप्शन में है। तो सी माइनस वी प्लस एस प्लस टी ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और इस सेट का जो लास्ट क्वेश्चन रहेगा तो ये वाला तो सरलीकरण का है, बिल्कुल इजीली आप कर सकते हो। 99-1/7 का स्क्वायर है, सबसे पहले आप ये छोटा कोष्टक हल कीजिए, ये वाला 99 में से एक गया पीछे रहे आपके, सबसे पहले आप क्या करते हो छोटा ब्रैकेट 99 में से 1 98 भाग आप 7 का स्क्वायर कीजिए 49 और फिर यहाँ पे गुणा 2+8 है तो 98 में आप 49 का भाग देंगे 2 आ जाएगा। फिर 2 से गुणा प्लस 8 कीजिए, 2 से गुणा हो जाएगा आपके 4+8 कितने होते हैं 12 होते हैं, तो ऑप्शन डी 2 नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, वीडियो बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगी है, इस बात पर लाइक ज़रूर कर दीजिए और ये सीरीज आपके डेली एक वीडियो मिलता रहेगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास के बेल आइकन को क्लिक कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों।